This conference will now be recorded. Bismillah min shaitan rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, assalamu alaikum and a very good morning to all of you and belated Eid al-Adha Mubarak. So coming to our topic, as you all can see on the screen, that our today topic is an ideal teacher. कि आइडियल टीचर आप हम कैसे बन सकते हैं या हम कैसे एक ऐसे टीचर या उस्ताद बन सकते हैं कि जिसमें कम से कम वक्त में हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को यूज़ करते हुए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्किलफुल हम बना सकें। ऐसा है कि दुनिया में ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के पैगम्बरों और अम्बिया के अलावा कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं है, और लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अगर हमारे में जो कमियां हैं या कोई वो हैं कमियां हैं फ्लॉज हैं तो हम उनके साथ ही जीना सीख लें या उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लें। नहीं, ये बात ठीक नहीं है। वी हैव टू फाइंड आउट आवर फ्लॉज, अपनी कमियां, और कोशिश करनी है उनको हमने दूर करना है। और हर वक्त और हर इंसान में हर जगह हर वक्त बेहतरी की गुंजाइश मौजूद होती है, हमारे काम में, हर प्रोफेशन में, हर इंसान में। और तालीम और इल्म का मकसद भी यही होता है कि इंसान अपना अच्छा बुरा समझ सके और उसके बाद अच्छाइयों को अपनाए और बुराइयों से पीछा छुड़ाए। सो कुछ आज के टॉपिक में भी कुछ यही चीज़ें हैं। आइडियल ऐसा हो, आइडियल टीचर या आइडियल ऐसे इंसान को कहा जाता है जो कि रोल मॉडल हो दूसरों के लिए, जिसे
जिससे देख के, जिसके साथ वक्त स्पेंड करके हम बहुत कुछ सीख सकते हो और जिसमें कम से कम आपको फ्लॉज नजर आए। तो एज आई वंस इन माय लास्ट वर्कशॉप आई टोल्ड यू कि एक जो टीचर है वो बहुत जरूरी है कि वो एक अच्छा इंसान भी हो, और अगर जो एक अच्छा इंसान है वो डेफिनेटली एक अच्छा टीचर भी बनता है। ये अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने जस्ट कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए, मैं एक समराइज काइंड ऑफ उसको मैंने किया है कि आइडियल टीचर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। लाइक ही और शी शुड बी लविंग, ह्यूमरस, काइंड भी होना चाहिए उसको, इनोवेटिव होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने कलीग्स के लिए, अपने कोवर्कर्स के लिए। इसके साथ साथ उसको अ वेरी गुड स्टोरी टेलर होना चाहिए और अनबायस्ड होना चाहिए, लाइक वो न्यूट्रल हो, किसी एक का साथ ना दे, जो जो जिस वक्त जहां भी गलती पे है उसको पॉइंट आउट करे या उसको सुधारने की कोशिश करे, फेवरिज्म उसमें ना हो। क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि हमारे पास स्कूल में जो बच्चे होते हैं या क्लास में बच्चे होते हैं, ऑफ कोर्स जो बच्चा बहुत ज्यादा ओबीडियंट होता है, जो अपना काम इन टाइम करता है, वो सब टीचर्स का फेवरेट हो जाता है, आइडियल बच्चा होता है वो। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है, बच्चे होते हैं ना, कभी जैसे हम तो इतने बड़े इंसान हैं, हमसे कोताहियां गलतियां हो जाती हैं, तो जो बच्चे होते हैं उनसे भी समटाइम्स कभी कोई छोटी मोटी शरारत, कोई गलती हो जाती है। इस टर्म को यहाँ मैं इसलिए जरा उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अनबायस्ड यही होता है कि आपका जो फेवरेट स्टूडेंट होता है, अगर वो गलती पे है तो उसको आपने उसकी फेवरिज्म नहीं करनी, ठीक है? आपने एक गैर जानबदाराना रवैया रखना है। सो कमिंग टू आर नेक्स्ट स्लाइड्स, अब आइडियल टीचर के कुछ पॉइंट्स जो आई फील लाइक, या जिनको मैंने अपने उसाजा में ये चीज देखी, और ड्यूरिंग जब मैं खुद ट्रेनिंग सेशंस लेती थी या जब मैं खुद ये सारे इन प्रोसीजर से गुजरती थी, मैंने यही चीजें सीखी और इनको अप्लाई किया अपनी ऑल थ्रू आउट अपनी प्रैक्टिकल, अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिकल लाइफ में, और मुझे इनसे 99% रिजल्ट मुझे मिला। तो आई एम गोइंग टू शेयर ऑल दोज थिंग्स विद यू पीपल, विद यू, विद द टीचर्स, सो दैट दे कैन अप्लाई दीज थिंग्स इन देयर प्रोफेशनल लाइफ टू बिकम मोर इफेक्टिव, टू मेक देयर एनर्जी, अपनी एनर्जी को चैनलाइज आप कर सकते हैं। ऐसे होता है कि कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले जो है प्री प्लान एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। मॉन्टेसरी सेक्शन में प्री प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितने ही अच्छे टीचर हैं, आप कितने ही लविंग हैं, आप कितने ही काइंड हैं, आप बेशक आपका सब्जेक्ट कमांड बहुत स्ट्रांग है, आप में हर क्वालिटी है, इफ यू आर नॉट प्री प्लान एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड तो आपकी वो सारी जो 99 क्वालिटीज हैं वो इस एक की कमी से वो दब जाएंगी। किस तरह से, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, दे आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द टीचर। इवन इन द प्ले ग्रुप, जब बच्चा 3+ ईयर्स में हमारे पास आता है, तो दे डू नॉट इवन नो दैट हाउ टू ओपन अ बुक और हाउ टू हैंडल और टैकल अ बुक। उनको बुक को हैंडल करना या नोटबुक्स को हैंडल करना भी नहीं आता। दे आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन अस, और आपको उनका कॉपी लेआउट हर चीज आपको खुद से करके देनी होती है। बेसिकली दिस इज द एज के जब आपने जो करना है ना, अब भी जो प्ले ग्रुप के टीचर्स होते हैं मॉन्टेसरी सेक्शन के स्पेशली, आपने जैसा बच्चे के सामने परफॉर्म करना है बच्चा वही चीजें सीखेगा। मैं ऐसा कहती हूँ कि जो मॉन्टेसरी सेक्शन होता है 3 to 6 years, प्ले ग्रुप नर्सरी प्रेप्स जो क्लासेस हैं, ये ना बच्चे होते हैं नन्ही बेलों की तरह होते हैं। अब ये हम पे है, हम उस्ताद हैं, हम टीचर्स हैं, ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने इनको कितनी धूप में रखना है, कितने छांव में रखना है, किस तरह पानी देना है, और खास तौर पे इन बेलों का रुख किधर को करना है, ठीक है? ये चीजें, तो आपने जितने आप वेल ऑर्गेनाइज्ड और प्री प्लान होंगे उतना ही आप कम झंझट का शिकार होंगे। आई नो दैट बिकॉज बीइंग अ मॉन्टेसरी टीचर आई नो दैट कि प्ले ग्रुप्स में स्पेशली और नर्सरीज में बच्चे का जो बिहेवियर होता है, उसका जो मूड स्विंग्स होते हैं,
उनको ही हैंडल करने में टीचर्स को बड़ी वो अक्सर झंझलाहट का शिकार हो जाते हैं, स्पेशली जब प्ले ग्रुप में तो बच्चा सारा सारा दिन कहीं बच्चे रोते रहते हैं, बड़ा मुश्किल होता है इस चीज को हैंडल करना। आई रियली डू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं खुद ये इस टीचिंग प्रोफेशन से निकली हूँ, मैंने पढ़ाया है, मैंने देखा है कि सबसे टफ काम ही होता है। टीचर्स ज्यादातर प्ले ग्रुप नर्सिंग सेक्शन से, प्ले ग्रुप से स्पेशली भागते इसलिए है कि बच्चों को हैंडल करना पड़ता है। जो पहला दिन होता है स्कूल का, वो ऐसे होता है बच्चे चीख रहे हैं, रो रहे हैं, स्पेशली जो भी नया एडमिशन होगा उसको हैंडल करना, और साथ आपके जो प्रीवियस स्टूडेंट ऑलरेडी क्लास में बच्चे बैठे होते हैं उनको लेके चलना, आई नो इट्स वेरी हेक्टिक। और एट टाइम्स किसी स्टेज पे ऐसा होता है कि टीचर वाकई मेंटली बड़ा डिस्टर्ब हो जाती है, झंझलाहट का शिकार हो जाती है। अब ये जो प्री प्लानिंग और वेल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ये है कि इसमें तो कुछ एक्टिविटीज आ जाती हैं प्रैक्टिकल, आम बच्चे को जब आपके पास बच्चा आता है आप प्रैक्टिकल उसको क्या एक्सरसाइजेस दें, तो वो इतना बिजी हो जाता है कि वो लाइक उसको फिर वो नहीं रोते बच्चों को चुप कैसे करवाना है, ये सारे वो प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस हैं वो इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। अभी के लिए इस तरह से कि एक्टिविटीज शुड बी प्री प्लान एंड मटेरियल रिक्वायर्ड शुड बी सेट एंड प्री अरेंज्ड। आपने क्लास में जो भी एक्टिविटी करवानी है, फॉर एग्जाम्पल आपका लेटर रिकग्निशन है, तो उससे रिलेटेड जितनी चीजें भी हैं वो आपकी पहले से एक दिन पहले आपके पास रेडी होनी चाहिए, आप करके जाया करें, क्योंकि 12 साढ़े 12 तक प्ले ग्रुप के बच्चे चले जाते हैं। तो जो आपको 1 से 1.5 घंटा दिया जाता है ना मॉन्टेसरी टीचर्स को, बेसिकली उसका पर्पज ये होता है कि आप अपने अगले दिन की तैयारी करके जाइए। ये नहीं कि सुबह क्लास में आए हैं तो आपको पता है कि जी आपने ये लेटर करवाना है, ए लेटर करवाना है, तो भाग रहे हैं उसके फ्लैश कार्ड्स ढूंढ रहे हैं, और उधर क्लास में से निकल गए जी आप किसी दूसरी टीचर से फ्लैश कार्ड लेने या कोई पूछने पीछे क्लास में, बच्चों ने उधर मचा के रखा होता है। दिस इज व्हाट व्हाट एवर यू हैव टू टॉट देम। अगर आपने कोई कलरिंग करवानी है, कुछ पेस्टिंग करवानी है, तो आपका डे बिफोर एक दिन पहले आपकी वो सारी मटेरियल, आपका सारी चीजें वो आप अपनी क्लास में अरेंज और सेट करके जाया करें, लेकिन एट अ सेफ प्लेस के आपके पास ऑफ कोर्स उधर कवर्ड होते हैं, या कोई बड़ी कोई अगर फ्लैजाइल चीज आप यूज कर रहे हैं कोशिश करें ना करें, लेकिन इफ इन केस आप कर रहे हैं तो उसको आप जरा बेहतर किसी सिक्योर जगह पर रखवा जाए। अदरवाइज ये तो एवरीडे यूज की चीजें होती हैं, आपका जो भी नेक्स्ट डे की एक्टिविटी है उसको आप पहले, इवन कॉपीज पे अगर आपका कॉपी वर्क है तो उसको एक दिन पहले, आपका प्लानर आपके पास होता है, आपको पूरे टर्म का बेसिकली पता होता है कि इस मंथली प्लानिंग आपके पास होती है, आपको पता होता है अपने पूरे मंथ में ये क्या करवाना है, तो आप अपने इवन कॉपी नोटबुक पे मार्जिन लाइंस, डेट और डे लिख के जाया करें, टॉपिक एक्टिविटी हर चीज। प्ले ग्रुप नर्सरी में तो प्रेप में जाके सेकेंड टर्म में बच्चे खुद लिखना शुरू हो जाते हैं, लेकिन प्ले ग्रुप नर्सरीज में आप ये चीजें, आप डेट और हर चीज वो लिख के जाया करें, ताकि नेक्स्ट डे जब आप आते हैं आपके लिए मसला ही क्यों नहीं होता। आपने ओरल वर्क कराया, आपने कॉपीज खोली, बच्चों को काम करवा दिया। नॉर्मली होता ही है कि जब आप एट द सेम डे आप बच्चे बैठे हुए हैं, आप उसी वक्त अगर डेट लिख रहे हैं, उसी वक्त अगर आप उसके ऊपर बच्चों का टॉपिक लिख रहे हैं, एक्टिविटी लिख रहे हैं, फर्स्ट थिंग जो मैंने ऑलरेडी बताई थी कि हम बच्चे के वक्त में खयानत कर रहे हैं, ये वक्त बच्चे को सिखाने का है ना कि अपना काम करने का, हाँ ये काम हमारा है, वी हैव टू डू इट अ डे बिफोर। और प्री अरेंज रहे, फॉर एग्जाम्पल प्री अरेंजमेंट्स का मतलब ये है कि अगर आपकी असेंबली प्रेजेंटेशन है, या आपका कोई राइम पे परफॉर्मेंस है, या आपकी कोई भी बच्चे को क्लास में आपने कोई हार्ड लाइक प्रैक्टिकल एक्टिविटी करवानी है, सेंड के थ्रू आपने लेटर रिकग्निशन करवानी है, जो भी है आप अपनी चीजें सेंड रे, अपना इक्विपमेंट्स जो है अ डे बिफोर रेडी करके जाइए। नेक्स्ट इज स्टेशनरी एंड नोटबुक्स शुड बी रेडी। नाउ स्टेशनरी मीन्स के अब छोटे बच्चे जो होते हैं इनकी स्टेशनरी हम अपने पास रखते हैं प्ले ग्रुप नर्सरी प्रेप्स की, अ डे बिफोर इनकी पेंसिल्स शार्प करके जाया करें, इनके कलर पेंसिल्स शार्प करके जाया करें। जब हम लकीली ऐसा रहा है मेरे साथ कि मैंने जो स्टार्ट अपना मॉन्टेसोरी का लिया था ना 2000 में, तो वो जिनका स्कूल था वो इट्स हर सेल्फ शी वॉज अ ट्रेनर, वो खुद भी ट्रेनर थी, और बड़ा मुझे उन 2 सालों में सीखने का मौका मिला। डेली बेसिस पे वो ये चीजें चेक करती थी, और अब वो ऐसी आदत पड़ गई हुई है इन चीजों की कि अब आप इनके प्री प्लानिंग और वेल ऑर्गेनाइज जब तक आप नहीं है, काम आपका दुगना मुश्किल हो जाता है। आप
सुबह आपको पता है आप नहीं आने, आप अपने बच्चों की पेंसिल्स, आपकी क्लास में आपको पता है इतने स्टूडेंट्स हैं, उनकी पेंसिल्स शॉर्प करके, उनके कलर्स वगैरह शॉर्प करके, अपनी स्टेशनरी पूरी करके रख के जाइए। अदरवाइज होगा ऐसे कि नेक्स्ट डे व्हेन यू आर गोइंग टू मेक देम राइट ऑन द नोटबुक्स, आपको अंदाजा, आपको उस वक्त अगर पता लग जाए कि जी आपकी पेंसिल्स कम है, आपके पास रेजर नहीं है, आपके पास शार्पनर नहीं है, तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि आपका टाइम कितना वेस्ट होगा। और फिर हसल बसल मचती है, एक उकताहट आ जाती है, आपको इन टाइम इरेजर शार्पनर्स चाहिए, अगर आपको नहीं मिल रहे तो आप देखेंगे आपका वर्क कितना इफेक्ट होगा, बच्चों का काम कितना इफेक्ट होगा। ये छोटी छोटी बड़ी माइनर सी चीजें हैं, अगर आप इसको अ डे बिफोर कर जाते हैं तो ये काम करने में आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर ऑन द डे एट द स्पॉट इन टाइम आप दौड़े लगा रहे हैं पेंसिल्स पूरी करने के लिए, रेजर्स पूरे करने के लिए, शार्पनर्स को देख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड मार्कर नहीं मिल रहा, तो आप सोचिए कितना हसल बसल होता है। और ऐसा होता है, बहुत ज्यादा होता है क्लासेस में, जो टीचर क्लास के दौरान इधर उधर स्विच ऑन करती है ना, वो यही वजह होती है, उससे बोर्ड मार्कर लिया, उससे ये लिया। उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, कीप योर टूल्स रेडी, अपने टूल्स अपने पास रखा करें, या आपके टूल्स हैं, आपकी स्टेशनरी है, ऑल द टाइम्स आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद द टाइम एंड कैपेबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो एक्टिविटी करवाते हैं आपके टाइम इज इक्वल टू एक्टिविटी लेंथ, ये इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास, फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 40 मिनट्स का पीरियड है, आपने एक एक्टिविटी प्लान की हुई है, तो आपके जो है 50 मिनट्स, आपका 1 घंटा गुजर गया है, लेकिन आपकी एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो पा रही। दिस इज समथिंग आपको ये चीज बहुत ख्याल रखनी है कि आपका एक्टिविटी जो है आपके टाइम के अंदर दौरान मैनेज हो। इसके मैं आपको आगे एक चीज बताती चलूं कि कोई भी जब एक्टिविटी आप करवाते हैं ना, उसमें 4 चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है एक्टिविटी का अरेंजमेंट, ये मैं आके आपको प्रॉपर एक एग्जांपल के साथ कोड भी करके बताऊंगी, इसका आगे प्रैक्टिकल भी होता है, प्रैक्टिकल तो जब हम करेंगे उस, अभी आपको साथ एग्जांपल के इसको मैं कोड करके बताऊंगी। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं जी, व्हेन यू आर गोइंग टू परफॉर्म एन एक्टिविटी और यू आर गोइंग टू हेल्प एन एक्टिविटी, देयर आर 4, आप इसको 4 पार्ट्स में आप उसको ना सब डिवाइड करें। नंबर 1 इज अरेंजमेंट, आई गिव अ पास पॉज ताकि आप लोग उसको लिख सकें। एक्टिविटी कोई भी आपने करवानी है, आप उसको 4 पार्ट्स में उसको आप डिवाइड कीजिए। नंबर 1 अरेंजमेंट, नंबर 2 डिमॉन्स्ट्रेशन, नंबर 3 चाइल्ड परफॉर्मेंस एंड नंबर 4 क्लीनिंग एंड वाइंडिंग अप। अब अरेंजमेंट क्या है? अरेंजमेंट वही है जो आप एक दिन पहले कर गए हैं, आपकी एक्टिविटी जो भी है आप उसका मटेरियल ऑलरेडी एक दिन पहले सेट कर गए हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होती है कि वंस यू हैव टू परफॉर्म इट इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, आपको एक दफा जो भी कोई एक्टिविटी आपने करवानी है आपको एक दफा स्टूडेंट के सामने परफॉर्म करनी होती है कि दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर गोइंग टू वर्क विद द पिंक टावर, जो मॉन्टेसरी मटेरियल में एक पिंक टावर होते हैं, वो पिंक कलर के ब्लॉक्स थे डिफरेंट, अगर आपने देखा हो उसको लाहौर वाली जो थी हुई थी वर्कशॉप, अगर नहीं देखा तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, पिंक टावर मॉन्टेसरी मटेरियल सारा आपको उसके सामने लिस्ट आ जाएगी। अभी मैं पिंक टावर को लेके उसका आपको एग्जाम्पल कोट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू वर्क विद द पिंक टावर, यू हैव टू ले आउट अ मैट, आप एक मैट रखेंगी, ऑलरेडी आप अ डे बिफोर पिंक टावर के ब्लॉक्स काउंट करके सेटल वहां पे करके जाएंगी। बच्चों को ये एक्टिविटी चूंकि फ्लोर पे बैठ के करने वाली है, आप ऑलरेडी सुबह आया से कह के इस तरह की अरेंजमेंट करवा लेंगी कि बच्चों को प्रॉपर विजन क्लियर हो। आपने जब बच्चों को सेमी सर्कल में बिठाया करें, जब भी फ्लोर एक्टिविटी होती है बच्चों को सेमी सर्कल में बिठाया करें, बच्चे ज्यादा हैं तो 2 सेमी सर्कल्स बना लिया करें, सेमी सर्कल होता है, हाफ सर्कल होता है। अब आपका पिंक टावर आप उसको लेआउट कर गई है, ये आ गया था जी आपकी अरेंजमेंट। अब आ गई आपकी डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होता है कि वंस इफ आपने उसको बच्चे को उसका बिग बिगर बिगेस्ट का कॉन्सेप्ट देना, तो वंस यू विल डू इट बाय योरसेल्फ, आप एक दफा बच्चे को उसको करके दिखाएंगे। इसके रूल्स होते हैं किस तरह से, आपने बच्चों को आपने ऑलरेडी उनको बता देने कि यू जस्ट हैव टू वॉच, हुएवर विल वॉच क्वाइटली, और जो भी मुझे खामोशी से सुनेगा और देखेगा उसकी फिर टर्न आएगी। ये आ जाती है डिमॉन्स्ट्रेशन, ये आपने बच्चों को करके दिखाना होता है। फिर आता है चाइल्ड परफॉर्मेंस। डिमॉन्स्ट्रेशन आपने सिर्फ एक बंदे ने दी, आपने दी, अब जब चाइल्ड परफॉर्मेंस आती है तो वो एक्टिविटी फिर सारे बच्चों के साथ आपने रिपीट करनी होती है। गॉट इट? इसमें आपको टाइम चाहिए होता है।
ये थर्ड पार्ट आ गया, नेक्स्ट आ गया ऑफ कोर्स करें ब्यूटीरियल, तो उसको उठा के वापस उसकी जगह पे रखें। अगर आपने पेंटिंग वगैरह कराई है तो ऑफ कोर्स दैट विल रिक्वायर्ड क्लीनिंग ऑफ कोर्स, उसके बाद पेंट वगैरह थोड़ा बहुत गिरता है, कोशिश किया करें नीचे नहीं उस पर बिछा लें, बल्कि डेफिनेटली बिछा लें। और क्लीनिंग, उसके बाद ब्रशेस जो आपके होते हैं उनको वॉश करके रखा करें। ये बड़ी छोटी छोटी टिप्स हैं, लेकिन ये बड़ी आपको बड़ा ऑर्गेनाइज करेंगी, और फॉर एवर, नॉट ओनली इन द प्रोफेशन, जब आप इस प्रोफेशन से निकल के प्रैक्टिकल लाइफ में भी जाएंगी या जाएंगे, स्पेशली फॉर द फीमेल्स, तो ये चीजें आपको बड़ा ऑर्गेनाइज रखती हैं, एंड बिलीव यू मी, आपका टाइम बहुत सेव होता है। अब ये जो मैंने एक्टिविटी के चार आपको पार्ट्स बताए हैं, आई फील लाइक कि इसको हम सेंट्रे पे अप्लाई करके मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि वो एक्टिविटी चूंकि आपने मुझे देखा भी था एक सेशन में करते हुए। सबसे पहले आया था अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में आपको हार्डली बच्चों को सेटल करने में, बैठाने में 5 मिनट लगते हैं बस। इसको आपने, इस पोर्शन को सिर्फ 5, बड़ी बात है तो 5 से 7 मिनट देने हैं बस, इससे ज्यादा नहीं देने। और ये उसी सूरत में होगा कि इफ ऑलरेडी अ डे बिफोर आप अपनी सैंड ट्रे रेडी करके रख के जा चुके होंगे। ये जो 5 से 7 मिनट अरेंजमेंट की मैं बता रही हूँ, ये बच्चों को सेटल डाउन कराना, उनको बैठाना, ये मैं उसका आपको वो टाइम बता रही हूँ। नेक्स्ट आ जाता है आपका डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन में भी आपको हार्डली 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, ये आप टाइम नोट कर लीजिए। अरेंजमेंट शुड बी टेकन ओनली 5 मिनट्स। नेक्स्ट कमिंग टू द डिमॉन्स्ट्रेशन, जो आपने बच्चे को करके दिखाना है, दैट शुड ओनली टुक 5 मिनट्स आल्सो। इसको भी आपने 5 मिनट से ज्यादा आगे एक्सप्लेनेशन नहीं लेके जानी। चाइल्ड विल स्टार्ट फीलिंग बोर्ड, बच्चा इस एक्टिविटी को बोरिंग फील करना शुरू कर देगा, इंटरेस्ट लूज करता जाएगा अपना। जब इंटरेस्ट लूज कर देगा, दे विल नॉट लिसन टू यू प्रॉपरली, वो बैठेंगे नहीं, आपका क्लास मैनेजमेंट और डिसिप्लिन खराब होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है चाइल्ड्स परफॉर्मेंस। इसको आपने 25 मिनट्स देने, 25 या जितना, अगर आपका अरेंजमेंट और डिमॉन्स्ट्रेशन में जो 5 मिनट्स अगर टाइम बच के, बाकी सारा टाइम आपने 25 या 40 मिनट्स के पीरियड की मैं आपको डिवीजन बता रही हूँ, वो आपने चाइल्ड्स परफॉर्मेंस में आपने देना। ऑफ कोर्स सारी क्लास में 15-20 बच्चे होते हैं, अगर आप हर बच्चे से भी वो सेंट्रे वाले लेटर को लिखवाती हैं तो इतने टाइम में ये एक्टिविटी एंड होती है। एंड इन द एंड 5 मिनट्स क्लीनिंग एंड वाइंडिंग अप। जब आपने एक्टिविटी करवाई है, डेफिनेटली थोड़ी बहुत सैंड बाहर गिरेगी, उसको उठवाएं, उसको बच्चों कोशिश करें बच्चों से करवाएं। अगर कोई ज्यादा बच्चे का यूनिफॉर्म या हाथ वगैरह गंदा होने का मामला है तो फिर आया जी से करवा ले, खुद कर ले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बच्चा काम के एंड पे सफाई करते हुए, क्लीनिंग और वाइंडिंग अप करते हुए देखेगा तो उसमें ये हैबिट डेवलप होगी कि काम करने के बाद या एक्टिविटी करने के बाद चीजों को वापस उनकी जगह पे रखना है या वाइंडिंग अप करना है, और ये सारे मामला है। ये मैंने आपको ऑर्गेनाइज्ड वेल, उसका अकॉर्डेंस विद टाइम, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी इन अकॉर्डेंस विद टाइम के वक्त, आपका जो 40 मिनट्स का पीरियड है उसको लेके आपने कैसे डिवीजन करनी एक्टिविटी करवाने को। नॉर्मली अगर आप इस डिवीजन से नहीं चलती तो व्हाट विल हैपन, यू कम इनटू द क्लास, फॉर एग्जांपल यू हैव टू डू दैट सेंट्रे एक्टिविटी, व्हाट यू विल डू इफ यू हैव नॉट प्री प्लान्ड और प्री अरेंज्ड द सेंट्रे। सबसे पहले तो क्लास में आते हैं, बच्चे को छोड़ के भागेंगी, सेंट्रे ट्रे पकड़ेंगी, सैंड पकड़ेंगी, अगर आपके पास नहीं है स्कूल में तो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो सकती। ठीक है ना, ये चीजें आपने पहले आपने प्री प्लान करके रखनी। आप पहले तो सेंट्रे करेंगी, आपके तो 5 से 10 मिनट आपके इधर ही जाएंगे, फिर आप क्लास में आएंगी, आप अपने बच्चों को चेयर्स फिटवाएंगी, उनको बिठाने पे लग जाएंगी, 10 मिनट आपके यहाँ चलेंगे, ठीक है, 40 मिनट्स में से। अब आपके पास पीछे क्या टाइम रह जाएगा, इस दौरान आप खुद भी मेंटली थोड़ा बंदा हो जाता है, ये जब फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है बंदा, अब आप खुद सोच लें कि आपकी ये जो, अगर आप प्री प्लान नहीं है, ये सारे काम आप एट द स्पॉट कर रहे हैं, तो आपकी ऑलरेडी एनर्जी भाग दौड़ में, सेंट्रे ढूंढने में, बच्चों को बिठाने में लग गई, ठीक है, तो वेरी लिटिल एनर्जी लेफ्ट। तो वो फिर यही होता है कि बच्चा, टीचर फ्रस्ट्रेटेड होती है, शाउट करती है, बच्चे भी फिर यही करेंगे, शाउट करेंगे, और ये सारा होगा। तो एक्टिविटीज को इंजॉय करिए और बच्चों को भी इंजॉय करवाइए, ना कि ये आपके लिए वबाले जान बने, और बनेंगी एक्टिविटीज जो होती है ना, ये बनेंगी वबाले जान इफ यू आर नॉट प्री प्लान्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू द वेल इक्विप्ड। वेल इक्विप्ड अगेन वही चीज आ जाती है,
कि आपके टूल्स इक्विपमेंट्स व्हाट एवर यू आर नीडेड आपके पास हो, ये टर्म जो है वैल्यूड बेसिकली बेसिकली इज रिगार्डिंग विद द मॉन्टेसरी मटेरियल, जो मटेरियल होता है उससे उससे रिलेटेड है। तो वेल इक्विप्ड आपका सारा आपका हर चीज आपके पास रेडी होनी चाहिए। दैट वाज द प्रीवियस स्लाइड वाज अबाउट प्री प्लानिंग एंड वेल ऑर्गेनाइज। ये तो डेली बेसिस का आपका है, आपने कुछ भी करवाना है, रिटर्न वर्क करवाना है, व्हाट एवर यू हैव टू डू, यू हैव टू बी दिस मच वेल ऑर्गेनाइज एंड वेल प्री प्लान्ड। अब आपका डे स्टार्ट हो गया, ये तो आपके करने के काम थे। अब इसमें है क्या, आपका डे मॉर्निंग अ न्यू डे स्टार्ट हुआ है, बच्चे स्कूल आ रहे हैं, तो आपने किस तरह से हाउ यू कैन बिकम एन आइडियल टीचर, शुरू ही बच्चे का जो होता है ना स्टार्ट, शुरू का दिन का जब स्टार्ट होता है, अगर वो उसका अच्छा आप स्टार्ट उसको दे देंगे ना, तो सारा दिन जो है ना एनर्जाइज और बूस्ट अप रहेगा। आपकी एक छोटा छोटी सी स्माइल बच्चे को बहुत एनर्जाइज कर देती है, और आपकी एक छोटी सी डांट या बगैर वजह के हद से ज्यादा सख्ती बच्चे का वही मोरल वो डाउन कर देती है। आप इस चीज को अपने आप पे ले लीजिए। आप स्कूल आते हैं, गेट पे आपके प्रिंसिपल या हेड खड़े हैं या अपने ऑफिस के बाहर खड़े हैं, आपसे कुछ भी नहीं कहते, जस्ट एक स्माइल के साथ सलाम दुआ हो जाती है, तो यू फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी हैप्पी फॉर दैट। और अगर गेट से अंदर एंटर होते ही, ठीक है, हो जाता है, गलतियां सबसे होती हैं, मुझसे भी होती हैं, सबसे होती हैं, कोई पिछली या कोई किसी गलती पे ही आपको स्ट्रिक्टली कोई हेड या प्रिंसिपल कोई बात कह दे, तो आई नो डेफिनेटली आपका पूरा दिन वो बेजार सा और परेशान सा गुजरता है। तो सेम हैपेंस विद द स्टूडेंट्स, बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है। सबसे पहले जो मॉन्टेसरी सेक्शन है, स्पेशली प्ले ग्रुप नर्सरी प्रेप्स, आपको अपने बच्चों से पहले अपनी क्लास में होना चाहिए। ऑलवेज बी प्रेजेंट इन द क्लासरूम बिफोर स्टूडेंट्स, आप पहले से वहां मौजूद होंगी तो आप उनको अच्छा सा रिसेप्शन दे सकेंगी ना। आप यू हैव टू रिसीव एवरी चाइल्ड ऑफ योर क्लास, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है, इसको जरूर फॉलो करें, इसको जरूर देखिए। मैं आई नो कि थोड़ा टफ होता है, थोड़ा बड़ा ड्यूटीफुल चीजें हैं ये कोई आम स्कूल्स में ये चीजें अप्लाई नहीं होती हैं। अब ये सिटी में चले जाएं या बीकन में चले जाएं, वो उनके पास उस दिन में मैंने जिक्र किया था क्या स्पेशल है उनके पास, वही एबीसी है जो हम करवाते हैं, वही अलिफ बे है जो हम करवाते हैं, लेकिन उनके बच्चों का कॉन्फिडेंस और ये सारे मामला क्यों लोग प्रेफर करते हैं उन स्कूल्स में करवाना, वो यही चीजें हैं। ये ड्यूटीफुल आपको टीचर्स को होना है, ये हमें ड्यूटीफुल होना है, बच्चे भी वही हैं, ठीक है। ये सिर्फ सारा मामला ड्यूटीफुल होने के, ऑलवेज बी प्रेजेंट इन द क्लासरूम बिफोर स्टूडेंट्स। एक दो दिन आप रहेंगे अगर तो ऐसा सिस्टम नहीं है अभी तक, आप लोग वही आपकी रूटीन है कि जी मॉर्निंग असेंबली बेल होती है तो आप क्लास में जाते हैं, तो फौरन इस चीज को तरक करें। इफ ऑल द प्रिंसिपल्स एंड हेड्स जो सुन रहे हैं, अगर तो मॉन्टेसरी सेक्शन में आपका यही पैटर्न है कि मॉन्टेसरी टीचर्स भी असेंबली बेल के साथ क्लास में जाती हैं, तो दिस इज आई मस्ट से कि फौरन इस चीज को खत्म करें। स्ट्रिक्ट रूल ये रखने आपने, और जिस तरह बच्चों के साथ आपको एट टाइम स्ट्रिक्ट होना पड़ता है ना, तो जो जिनसे जो आपके स्टाफ होते हैं उनके साथ भी कुछ रूल्स स्ट्रिक्ट लेके चलना पड़ते हैं। तो इसके लिए अभी तक मैंने कभी ये वर्ड यूज नहीं किया, आज मैं कर रही हूँ कि ये जो पॉइंट है कि ऑलवेज बी प्रेजेंट इन द क्लासरूम बिफोर योर स्टूडेंट्स, दिस इज समथिंग टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना की जरूरत है। क्यों होता ऐसे है कि जब आप ऑलरेडी क्लास में होते हैं, जब आपका आपके बच्चों का टाइम 8:30 है, तो यू हैव टू बी इन द क्लास रूम 8:15, और कोशिश करें 8 बजे आ जाए। नॉर्मली सब टीचर्स 15-20 मिनट 25 मिनट पहले स्कूल होते हैं। आप डायरेक्ट अपनी क्लास में आए, अपने हर बच्चे को रिसीव करें विद अ स्माइलिंग फेस, उसको एक स्माइल दें, उसको रिसीव करें, उसको ग्रीट करें अच्छा सा, उसका हाल पूछें। दो जुमले कहने से ना तो हमारा वक्त जाता है, तो ना हमारी कोई एनर्जी ताकत जाती है, ना हमारे को पैसे लगते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, आप ठीक हो, ओके गिव मी योर बैग, उससे उसका बैग लें। ये कुछ चीजें इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। बैग से फौरन उसका लंच बॉक्स निकालें, आपके पास क्लासेस में शेल्व होते हैं वहां रखें, और बैग से उसकी डायरी निकालें। प्ले ग्रुप नर्सरी प्रेप्स तीनों क्लासेस के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप को फॉलो करना। ग्रीट देम विद अ स्माइलिंग फेस, और उनके बैग से उनका लंच बॉक्स, उनकी डायरी निकाल लीजिए। लंच बॉक्स निकालने का पर्पस क्या है, उसका पर्पस ये है कि वी नेवर नो कि बच्चे घरों से लंच लाए होते हैं,
जैसे कोई गर्मी है या सर्दी है तो ऑल द टाइम 12 बजे तक 11 बजे तक उनकी 11 o'clock तक ब्रेक जाती है, तो लंच उनके बैग में स्पिल हो सकता है, गिर सकता है, खराब हो सकता है, बेहतर आप उसको निकाल के किसी सामने एरी जगह पे रख लें। ठीक है, आप उनका लंच बॉक्स निकाल के बाहर रखें। आगे चल के चूंकि उनकी ईपीएल में यही चीजें हमने उनको सिखानी है कि हाउ टू टेक लंच बॉक्स, हाउ टू ईट अप, आपने उसको खाना कैसे है, लंच बॉक्स को वापस बंद करके अपनी जगह पे कैसे रखना है, तो उसके लिए आपको पीछे ये चीजें एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं। टेक देम, टेक योर लंच बॉक्स एंड टेक योर डायरीज आउट, पुट देम ऑन द शेल्फ और डायरी को एक सरसरी नजर लगा लीजिए, जरूर क्या घर से कोई नोट तो नहीं आया हुआ, जरूर उसको देख के। तो डायरी चूंकि हम लोग खुद लिखते हैं प्ले ग्रुप नर्सरीज में, तो उसको आप अपने पास सेफ रखें। ठीक है, वार्म वेलकम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे को एक बन जाएगा फेस एंड ब्यूटीफुल वर्ड्स, गिव देम अ कॉम्प्लीमेंट, किस बच्चे को कॉम्प्लीमेंट दे दिया, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आज तो आपने बड़ा नीट यूनिफॉर्म पहने, आप तो आप बहुत प्यारे लग रहे हो, हर बच्चे को दे। ये नहीं कि वही बात है अनबियास्ट गैर मुतसबाना रवैया, हर बच्चे को दे, जिस भी फैमिली ग्राउंड का है, जिस भी उसका यूनिफॉर्म है, जो भी फाइनेंशियल लेवल है, कुछ भी है, जो भी है, हर बच्चे को एक बड़ा अच्छा सा सिंपल सा डिसेंट सा कॉम्प्लीमेंट जरूर दें। उसके बाद वंस द अब उसमें दूसरी चीज याद आती है, वंस ऑल द स्टूडेंट्स हैव अराइव्ड, आपने उनको अच्छा सा वेलकम दे लिया है, बच्चों का क्लास में बिठा लिया है। अब होता ही है वेलकम, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, आपको आप किसी के घर जाते हैं या आप कहीं शादी पे जाते हैं या कहीं इन्वाइटेड है या आप जाते हैं, तो कितना अच्छा लगता है हमसे पहले हमारा मेजबान खड़ा हो, हमें अच्छा सा स्माइलिंग सा वार्म सा वेलकम दे, तो कितना अच्छा आता है लगता है। और दूसरी तरफ अगर हम जाएं तो आपका जो मेजबान है या जो जिसने आपको इनवाइट किया है आपको सलाम भी सीधे मुंह ना करे, ठीक है, गुस्सा अपने कामों में लगा रहे, तो वी विल फील वेरी ऑकवर्ड। और मैं तो स्पेशली नेक्स्ट कभी भी ऐसे मेजबान के बुलाने पे नहीं जाऊंगी। ठीक है, वो आपको सर्व क्या करता है, वो आपको खिलाता क्या है, वो आपको पिलाता क्या है, वो बात की बातें हैं, वो वेलकम आपको कैसे करता है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट थिंग। ठीक है, तो खिलाने पिलाने में तो चले फाइनेंशियल मामला आ जाते हैं, वेलकम करने में कोई फाइनेंशियल कोई खर्चा पानी नहीं लगता। तो सेम इज द केस विद द स्टूडेंट्स, हम उनको पढ़ाते के हैं, हम उनको सिखाते के हैं, हम उनको करवाते के हैं, पूरा दिन, दैट कम्स आफ्टर दैट। सबसे पहले तो वेलकम ही आता है ना, हम उनको वेलकम कैसे करते हैं, हम उनको रिसीव कैसे करते हैं, यही चीजें 100% बच्चे घर जाके अप्लाई करते हैं, 100%। और जब ये मैसेज लेके बच्चा घर जा रहा है अपने पेरेंट्स को बता रहे कि मेरी टीचर ने इस तरह मुझे ग्रीट किया या मेरी टीचर इस तरह मुझे ग्रीट करती हैं, तो पेरेंट्स का सेटिस्फेक्शन लेवल आप सोचें कि क्या होगा। आजकल आई हैव सीन दिस थिंग कि जो हमारी ये जो जनरेशन है ना, ये बहुत ज्यादा कह लें कि उसको अटेंशन सीकर है, आप उनको पेरेंट्स को भी यही चीज रिक्वायर्ड होती है आजकल, तालीम के साथ साथ उनको ये चीजें बहुत रिक्वायर्ड होती है कि हमारे बच्चों को हैंडल कैसे किया जाता है इमोशनली, और वैसे उसको फैसिलिटीज क्या क्या दी जाती हैं। आराम पसंद हो गए हैं हम भी बहुत और अपने बच्चों को भी, चूंकि कर दिया हुआ है तो अब भी हम स्कूल्स को टीचर्स को भी इन चीजों को साथ लेके चलना है, और वैसे भी मजायका नहीं है, इनके पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 पे देखिए मैंने लिखा हुआ है डिस्कस असेंबली प्रेजेंटेशन टॉपिक विद देम, असेंबली प्रेजेंटेशन एंड बुलेटिन बोर्ड कल की जो वर्कशॉप है इसी पे है। अब जो असेंबली प्रेजेंटेशन होता है इसका एक लेआउट भी मैंने कल के लिए बनाया हुआ है, आपको इस को समझ आ जाएगा कि जो पॉइंट है टॉपिक क्या है असेंबली प्रेजेंटेशन का, और उसको आपने डिस्कस क्या करना है बच्चों के साथ। फॉर एग्जांपल आपका टुडे असेंबली प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वेजिटेबल्स नेम, तो ऑलरेडी आप क्लास में बच्चे को थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन दे लें। जो मॉन्टेसरी का असेंबली पैटर्न होता है वो ये होता है कि इनको आप अपना जो आगे का आपका 1 से ऑनवर्ड्स प्राइमरी सेक्शन है या मिडिल सेक्शन है उनके साथ इनकी असेंबली नहीं होती, इनकी असेंबली सेपरेट होती है और बाद में होती है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो जैसे स्कूल में इनके मूड स्विंग्स होते हैं घरों में भी होते हैं, स्पेशली जो प्ले ग्रुप के बच्चे हैं कभी तबीयत की ऊंच नीच की वजह से, ये अगर आपका 8:30 का टाइम है स्कूल का तो ये नॉर्मली 9:45 तक ये बच्चे आते रहते हैं,
वैसे भी इनकी टॉपिक्स, इनकी कैपेसिटी, इनकी माइंड एब्जॉर्बेंट जो होती है एनर्जी, वो और तरह की होती है, तो इनकी असेंबली अलहदा करवाई जाती है। 8:30 टाइम है, आप बाकी स्कूल की असेंबली हो जाती है 15 मिनट्स के बाद, तो इनकी असेंबली का टाइम आप 9 बजे रखा कीजिए। उससे पहले आधे घंटे में या आपने ये वाले 4 पॉइंट्स इसको नोट डाउन कर लें, ये आप उनके साथ करें, और बड़ा मजा आता है। इतनी मजे की बातें बच्चे सुनाते हैं आपको, आप उनको एक कॉम्प्लीमेंट देते हैं, ग्रीट करते हैं, वो सीखते हैं। तारीफ जब सुनता है ना बच्चा, जो बच्चा तारीफ सुनेगा वो तारीफ करना सीखेगा, तो तारीफ करनी चाहिए। और उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल, हमें कितना अच्छा लगता है, अक्सर बच्चे जब गुजरते गुजरते आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि टीचर यू आर लुकिंग सो नाइस, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, तो कितना अच्छा लगता है। तो बच्चों को ये चीजें बहुत एनर्जाइज करती हैं, आप जरूर उनको ये उनके साथ किया करें डिस्कस। एक दफा हम इसको फिर कर देते हैं, ऑलवेज बी प्रेजेंट इन द क्लासरूम बिफोर स्टूडेंट, बच्चों से पहले क्लास में मौजूद रहिए। उस दौरान अगर आपके बच्चे नहीं आ रहे, अपना व्हाइट बोर्ड रेडी कीजिए टुडे टॉपिक को लेके, उसके बाद उनको ग्रीट कीजिए स्माइल के साथ, अच्छे से कॉम्प्लीमेंट के साथ, सलाम के साथ। कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटे हैं हम सलाम में पहल कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको असेंबली प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है उसको, उसकी प्री इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि आज असेंबली में हम ये देखने जाएंगे। उससे ये होगा कि जब आप उनको वर्बली असेंबली प्रेजेंटेशन की टॉपिक की थोड़ी फॉर्मेलिटी दे देंगे ना, तो उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी कि अच्छा टीचर ने आज हमें ये बताया है असेंबली में, तो अब हम उनको क्यूरियोसिटी होगी देखने की कि अभी हम देखें कि ये होगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स नेम है, तो बच्चे सारी बात है जो परफॉर्म करने वाले हैं वो वेजिटेबल्स का कॉस्ट्यूम या उनके फ्लैश कार्ड्स या उनके हार्ट चार्ट्स के कोई वो प्रॉम्प्ट्स पकड़ के आएंगे, तो एक तो बच्चा आपका असेंबली में इंटरेस्टिंगली खड़ा रहेगा क्योंकि उसको ऑलरेडी उसके टॉपिक से फेमिलिटी होगी। नेक्स्ट है लविंग एंड काइंड। अ टीचर शुड बी वेरी लविंग एंड काइंड, यू कैन एज यू कैन सी इन द पिक्चर। हमने जो था अब तक टीचर्स का, जो हम लोग भी खुद भी पढ़े हैं आप कह रहे स्कूल लाइफ में, तो बड़ा एक रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स बहुत थी टीचर्स के लिए, लेकिन एक डर और खौफ बहुत होता था टीचर्स का। समटाइम्स वी नीड टू आस्क थिंग्स, कुछ पूछना भी चाहते थे। कुछ टीचर्स ऐसे होते थे, सब तो नहीं, अभी भी मैं अपने चूंकि रिकॉल करती हूँ तो स्कूल लाइफ में एक दो टीचर्स थे ऐसे कि उनका इतना वो एक खौफ और डर होता था कि कुछ पूछना की भी हिम्मत नहीं होती थी। रिस्पेक्ट करवाइए बच्चों से, लेकिन उनसे इस तरह का रवैया रखिए कि लविंग और काइंडनेस का, कि उनको आप अपने मामला आपके साथ डिस्कस करने में किसी किस्म की हेजिटेशन फील ना हो कि मैं ये टीचर से बात करूंगा तो मुझे डांट पड़ जाएगी, या मैं ये चीज पूछूंगा, या मैं कोई गाइडलाइन लेने लेने जाऊंगा तो मुझे डांट पड़ जाएगी। इसके लिए अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप है इसके यूज ऑफ कर्टेसी वर्ड्स। कर्टेसी वर्ड्स होते हैं एक्सक्यूज मी, प्लीज, थैंक यू, वेलकम, मे आई, ग्रीटिंग वर्ड्स अब इसमें आ जाते हैं, इनका यूज बहुत ज्यादा कीजिए। प्लीज, एक्सक्यूज मी, थैंक यू, ये मैंने वो 5 वर्ड्स सीखे हैं, ये इनको कहने कि आप मैजिकल वर्ड्स हैं। आप 4-5 वर्ड्स जब आप यूज करते हैं तो बच्चा वैसे ही आपका हो जाता है, दीवाना हो जाता है आपका। बच्चा क्या, आप इन अल्फाज को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आइए, आप बड़े हम्बल और बड़े काइंड लगेंगे, आपकी गुफ्तगू में बड़ा जादू आ जाएगा। दीज आर द मैजिकल वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल किस तरह से आपने बच्चे को इधर बुलाना है, अपने पास बुलाना है, आप उसको बजाय ये कहें कि कम हेयर, इफ यू से कि प्लीज कम हेयर, तो ये जो आपका प्लीज होगा ना वो उड़ता हुआ आएगा बच्चा आपके पास। लाइक दिस विल कॉज अ स्पेल ऑन, दिस विल स्पेल अ मैजिक ऑन द चाइल्ड। प्लीज कम हेयर, इधर आओ मेरे पास बेटा। उसका ये फायदा होगा कि बच्चा भी ये वर्ड्स यूज करना सीखेगा। प्ले ग्रुप में उनका जो सबसे पहला ओरल लेसन होता है, कर्टेसी वर्ड्स ही सिखाए जाते हैं बच्चों को, इनके फ्लैश कार्ड लगा दिए जाते हैं, रिपीटेडली इनका यूज किया जाता है, असेंबली में इनको सिखाया जाता है कि एटलीस्ट ये जो 5 वर्ड 6 वर्ड्स हैं ये उनको जरूर इनका यूज पता हो। अब इसी तरह से अगर आपने बच्चे से कोई काम आपको करवाना है, एक्सक्यूज मी, आप मेरा बच्चे का नाम लेके आप प्लीज ये मेरे लिए कर दोगे, या उसने आपका छोटा सा कोई काम कर दिया तो उसको थैंक यू बोलें। और जब इसी तरह अगर बच्चा आपको थैंक यू बोलता है, दिन में 10 दफा भी बोलता है थैंक यू, तो उसको वेलकम बोलें। इसी तरह अगर आपको भी दिन में 10 दफा भी थैंक यू बोलना पड़ता है तो बोलें। मे आई का मतलब दिस वर्ड यूज्ड फॉर आस्किंग अ परमिशन। आप कोई भी किसी का कोई चीज लेने जा रहे हैं, या समटाइम्स सिर्फ सिखाने के लिए बच्चों को आप प्रिटेंड कर सकते हैं आपके पास
अपना रेजर पेंसिल है भी, तो आपने बच्चे से मे आई टेक योर पेंसिल, क्या मैं क्या आपकी पेंसिल ले सकता हूँ। अब सोचें कि ये मैनरिज्म बहुत जरूरी है बच्चों को सिखाना। जब आप उनके साथ ये वर्ड्स यूज करेंगे, उनको भी डेफिनेटली दे आर इन द हैबिचुअल ऑफ इट, उनको भी इस चीज की बहुत हैबिट हो जाएगी वर्ड यूज करने की। हमारे यहाँ जब ये चीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है बच्चों को, कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उनको कैसे इंटरप्ट नहीं करना, कर्टसी वर्ड्स कहाँ कौन सा यूज करना है, तो एटलीस्ट ये जो 5 वर्ड्स हैं ये उनको जरूर सिखाइए। और ये हर एक को इनका मतलब आता है और इनका यूज भी आता है। प्लीज, एक्सक्यूज मी, थैंक यू, तो स्पेशली छोटी से छोटी बात पे भी आप उनको बच्चों को थैंक यू का वर्ड, थैंकफुल होना सिखाइए ना। ठीक है, ऑलवेज बी रेडी टू लिसन टू द स्टूडेंट्स, और हमेशा ऑलवेज बी रेडी कि जब प्ले ग्रुप का बच्चा आता है ना नर्सरी प्रेप्स का स्कूल में, तो वो अपनी टीचर घर में जितना वो सिक्योर अपने आप को अपनी माँ के साथ समझता है ना, स्कूल में उसके लिए टीचर ही उसका सब कुछ होती है। ठीक है, तो ऐसा उनको फीलिंग दे, ऐसा उनको ऑलवेज रेडी रहे, उनको लिसन करें, उनकी बात, उनका मसला सुने, उनको इग्नोर ना करें। फॉर एग्जाम्पल, ये इसको मैं इस तरह से आपको ब्रीफ करती हूँ कि इफ यू आर बिजी इन योर वर्क, आप अपना कोई काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि क्लास टाइम के बच्चा अगर बाहर ग्राउंड में भी खेल रहा है, इफ यू आर बिजी इन योर वर्क, अगर बच्चा आपके पास आता है तो फौरन 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए अपनी अपना काम रोक दें, उसको फील कराएं कि यस टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम, या व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए या क्या मसला है। उसको प्रॉपर, उसको ये फीलिंग हो कि आई एम बीइंग अटेंडिंग प्रॉपरली, कि टीचर मुझे अटेंड कर रही है। समटाइम्स बड़ा होता है, जब बच्चे को ये फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी ना, तो हर चीज आपसे साथ डिस्कस करने में इजी फील करेगा। तो 100 तरह के बच्चे छोटे होते हैं, 3-4 साल का बच्चा होता है घरों में, कैसे माए तो गोद से ही नहीं उतारती, कितने हम लाड देखते हैं। तब सोचे वही बच्चा स्कूल जब आता है तो उनको उसी तरह हैंडल करने की कोशिश किया करें। और ये बड़े सेंसिटिव होते हैं, स्पेशली जो प्ले ग्रुप का बच्चा, उनको तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है स्कूल का। आप इस तरह से जब आप चलते हैं तो मैंने नहीं देखा कि बच्चे स्कूल आते हुए रो, मैंने हमेशा देखा बच्चे स्कूल से जाते हुए रोते हैं, एंड दे आर सो मच विलिंग टू कम टू द स्कूल नेक्स्ट डे। उनको स्कूल का एक जो कॉन्सेप्ट है उनके, चूंकि एक हमारे सोसाइटी में स्कूल का वो एक खौफ वाली कॉन्सेप्ट होता है वो आजकल, बल्कि मैं देख रही हूँ एक वीडियो बड़ी वो वायरल हुई हुई है, वो बच्चे से दुआएं करवा रहे हैं कि दुआ मांगो अल्लाह मियाँ स्कूल 15 को खुल जाए, तो वो रोना शुरू कर देते हैं। तो इंशाल्लाह अगर हम इस वे आउट से चलते हैं तो हमारे बच्चे नहीं रोएंगे, वो दुआ ही करेंगे कि इंशाल्लाह स्कूल 15 अगस्त को खुल जाए। जी, ऑलवेज बी रेडी टू लिसन टू स्टूडेंट, मेक योर स्टूडेंट्स फील प्रोटेक्टिव एंड सेफ। उनको जब ब्रेक होता है आपका, जो मॉन्टेसरी की टीचर्स होती हैं, इट इज देयर ड्यूटी टू टेक देम इनटू द प्ले ग्राउंड। ये अगेन वही उस रूल की तरह मैं कहूंगी कि इसको भी स्ट्रिक्टली अप्लाई कीजिए। जब आपकी ब्रेक होती है ना, ब्रेक मींस के जब आप बच्चों को बाहर लेके जाते हैं उसको प्ले टाइम के लिए या प्ले एरिया के लिए, तो वहां पे वो क्लास जो टीचर है ना प्ले ग्रुप या नर्सरी प्रेप की, उसकी ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों के साथ रहे। आया ऑफ कोर्स शुड बी देयर, बट वहां पे टीचर को जरूर साथ होना चाहिए। अगर बच्चा जरा सा भी गिरा है या जो भी है, उसको चोट लग गई है, तो फौरन आगे उसको देखें, उसको हैंडल करें, उसको टैकल करें, उसको फीलिंग ऑफ प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी दें। बच्चों को आपने ये नहीं करना, मतलब वही चीज आ जाती है कि ये जब एक दफा बच्चा स्कूल के अंदर एंटर हो गया तो वो टोटल मेरी और पूरे स्कूल के कस्टोडियल की और प्रिंसिपल्स की और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को मेक योर चाइल्ड फील प्रोटेक्टिव एंड सेफ। उनके साथ प्ले एरिया में उनके साथ बाहर जाइए, उनको कभी भी अकेले अनअटेंडेंट प्ले एरिया में मत भेजिए, एक टाइम रखिए। आगे चल के ये चूंकि टाइम टेबल के हवाले से भी हम करेंगे उसको, जो भी उसको लेके चलेंगे, बच्चों को लंच बॉक्स देके, जो एक ट्रेंड सेट है मैंने देखा है नॉर्मल स्कूल्स में, बच्चों ने लंच बॉक्स पकड़े होते हैं बाहर ग्राउंड में आके खा रहे होते हैं, दिस इज अ वेरी रॉन्ग वे। आपका अगर उसको, उनको 30 मिनट्स की ब्रेक दें, 15 मिनट्स उनके लंच ब्रेक के रखें और आगे नेक्स्ट 15 मिनट्स उनके बाहर प्ले एरिया के रखें। बीच में ऑन एंड ऑफ भी आप उनको लेके जा सकते हैं झूलों पे स्विंग्स पे, लेकिन ये जो 15 मिनट है ये डेफिनेटली आप उनको प्ले ग्रुप नर्सरी प्रेप्स को, तीनों क्लासेस को साथ लेके जाएं, ताकि बच्चा एक दूसरे बच्चों के साथ सोशलिज्म में उसमें पैदा हो। ठीक है,
आप जो लंच का है वो ये मामला है कि बिल्कुल 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 भी बच्चों को लंच बॉक्स हाथों में थमा के बाहर प्ले ग्राउंड में मत भेजा करें। उनको यही चीजें तो हमने आगे प्रैक्टिकल लाइफ में सिखानी है। स्ट्रिक्टली लंच क्लासरूम में करवाया करें, उनके हैंड वॉश करवाया करें। अब तो वैसे भी आई होप कि हमारी नेशन में ये हैबिट डेवलप हो गई होगी हैंड वॉश की या हैंड सैनिटाइजर्स की या जो भी है, उनके जरूर हैंड वॉश करवाएं। उनको टेबल पे बैठा के लंच कराएं क्लासरूम्स के, उनको बताएं खाना कैसे है पीना कैसे है, नीचे नहीं गिरना चाहिए। नाउ यू हैव फिनिश योर लंच, अपना लंच बॉक्स बंद कीजिए, इसको रखिए, नाउ यू कैन गो एंड प्ले। अब होता क्या है, बच्चों को लंच बॉक्स पकड़ा दिए हैं, बाहर ग्राउंड में गिरा भेज दिया है, अब बाहर मक्खियां भी हैं, बच्चों के हाथ भी गंदे हैं, नीचे जमीन पे चीज गिरी है, बच्चा उठा के वही मुंह में डाल रहा है। व्हाट अ मैस इज दिस, कैसे पता नहीं क्यों ये क्या वो नजारा होता है, मैंने देखा भी हुआ है। लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह के जिन भी सिस्टम्स में मैं जाती हूँ तो इंशाल्लाह इधर भी हमारे तमाम लॉरल होम्स में ये एक हैबिट हम जरूर डेवलप करेंगे। और मैं तो टीचर्स को भी प्रेफर करती थी और आया जी इसको कहा होता था कि जो मॉन्टेसरी की टीचर्स की टी ब्रेक है वो बच्चों के साथ, उनको अपना लंच बच्चों के साथ किया करें, वो बड़ा अच्छा फील करते हैं। मैं खुद ये लॉरल में रही हूँ 8 साल, मेरी रूटीन थी कि मेरा समटाइम्स अगर बिजी नहीं हूँ तो अगर ऑफ कोर्स ब्रेक में कभी कोई बहुत ऐसा काम है कि मैं नहीं जा सकती तो नहीं तो डेफिनेटली मैंने चाय का कप, मैंने क्लासेस डिवाइड की होती थी प्ले ग्रुप में, नर्सरी में, प्रेप्स में, उनके साथ जो है बैठ के मैंने पीना आता था। और समटाइम्स वो बच्चे बड़ा, और सबसे ज्यादा उनकी खुशी की खादी होती थी कि आप उनके हाथ से कोई छोटा सा बाइट या वो कोई लुकमा खा लें, एंड दे फील वेरी हैप्पी कि आप उनके लंच बॉक्स आपको वो ऑफर करते हैं, तो आप उसके साथ थोड़ा शेयर भी करें, अपना लंच बॉक्स भी उनको शेयर करवाएं। ये छोटी 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 बातें हैं, ये आप इनको जरूर अप्लाई करें, ये हमारे बच्चों को बहुत ग्रूम करेंगी, बहुत ग्रूम करेंगी। ठीक है जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं ह्यूमरस एंड स्ट्रिक्ट। ह्यूमरस होता है मजाक या मजाक हल्का फुल्का, और स्ट्रिक्ट होता है सख्ती। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यू हैव टू, अब ये दो अपोजिट चीजें हैं, ह्यूमरस होना यानी कि बच्चों के साथ हंसी मजाक करना और सख्ती करना, दो ऑपोजिट चीजें हैं। बट आर्ट और फन, हमारा जो है आर्ट ये है और हमारा फन और हुनर ये है, एज अ टीचर के हमने इन दोनों चीजों को पैरेलल लेके चलना है, हमने इन दोनों चीजों को साथ लेके चलना है। ठीक है, टेल देम अ जोक्स, हाउ कैन बी अ ह्यूमरस एंड हाउ कैन बी अ स्ट्रिक्ट, बोथ द थिंग्स एट द सेम टाइम विद द सेम स्टूडेंट्स, किस तरह से हमने चलना है। टेल देम जोक्स ऑन एंड ऑफ, उन्हें छोटे छोटे उनके लेवल के तहजीबदार जोक्स उनको सुनाएं, छोटे मोटे। ये मैं अगेन कह रही हूँ कि तहजीबदार मतलब ये जो आजकल मैं देखती हूँ और बच्चे भी हमारे देख रहे होते हैं, मैंने देखा है टिकटॉक पे और ये सारा, प्लीज इन चीजों से कोशिश करें, बच्चों को अवेयरनेस दें। अगर माँ बाप ने नहीं ये नहीं सुनते बच्चे माँ बाप की, हम टीचर्स से सुनते हैं, उनको अवेयरनेस दें। मैं तो टिकटॉक का नाम मैंने तो दजालताना रखा हुआ है, इनसे बच्चों को बचाइए। हम आई फील लाइक कि हम 100% अपने बच्चों को नहीं बचा सकते, मैं एज अ मदर, मेरे हस्बैंड है, हम बच्चों को बहुत गाइड करते हैं, मेरे स्कूल में ही चूंकि मेरे बच्चे पढ़ते हैं टीचर्स गाइड करती हैं, इवन देन बच्चे 20-30% सीखते हैं ये चीजें बाहर से। लेकिन हमारा काम है हमने उनको समझाते रहना है, कीप देम अवे फ्रॉम द बैड जोक्स, किस जोक्स में किसी की जात पे तंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने तंज मजाक को जो है ना सिर्फ एक तंज तक रख लिया हुआ है कि दूसरों की जात को ह्यूमिलेट करना इज अ फन फॉर अस, ये हमारे लिए जोक है, नो दिस इज नॉट अ जोक। उनको हल्के फुल्के से बगैर किसी के ऊपर तंज किए, किसी की जात को निशाना बनाए और बगैर उसको के तहजीब से बाहर जाते हुए कोई ऐसे जोक्स, उनको हल्के फुल्के से उनको जोक सुना दें एनिमल्स के, इस तरह से। नेक्स्ट आ जाता है प्ले फनी गेम्स विद देम, लाइक आई स्पाई, विस्पर वर्ड, पास द बॉल चैलेंज, ये वो गेम्स हैं। इनमें इन्हीं गेम्स के थ्रू आप उनको एकेडेमिक भी बहुत सी चीजें सिखा सकते हैं। आई स्पाई होते हैं कि बच्चे को ना वो बैग में कुछ चीजें डाल के दे दी जाती हैं, मिस्ट्री बैग भी उसको कहते हैं, और उसकी ब्लाइंड फोल्ड लगा दिया जाता है उस पे आंखों पे, और उसके बाद उसको कहा जाता है कि इसको ये जो चीजें हैं इनको टच करो और बताओ कि इन चीजों के नाम क्या है। और फिर जो बच्चा जितनी ज्यादा चीजों के नाम बताता है उसको फिर ऑफ कोर्स उसका स्कोर उसी तरह से हाई होता है। विस्पर अ वर्ड, ये भी बड़ी मजे की गेम है। इसमें ये होता है कि आप सर्कल में बच्चों को बैठाते हैं, एक बच्चे के कान
कान में आप एक वर्ड विस्पर करते हैं, सरगोशी करते हैं हल्की सी कि सिर्फ उसको आवाज आए. फॉर एग्जाम्पल आप उसको कह दें एप्पल, एक वर्ड उसके बोल दें. अब उसे कहें यही वर्ड अगले बच्चे के कान में विस्पर करो. इसी तरह सेकंड वाला, थर्ड वाला, इस तरह पूरे सर्कल में जब वो वर्ड घूम के आप तक आएगा ना, वो एप्पल का कुछ और ही वर्ड बन गया होता है. और इन द एंड बहुत ही वो, जब वो वर्ड का मसला ही, वो वर्ड ही डिफरेंट हो गया होता, तो ये बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं इस गेम को. पास द बॉल चैलेंज में ये ऑफ कोर्स से सारे हम सभी को ये गेम पता है. अब चैलेंज बच्चे को पास करता है बॉल, जिधर म्यूजिक या वो जो भी राइम होता है, जो भी वो स्टॉप होता है, वही आपने बच्चे को कहना होता है एक्शन कोई करके दिखाए. तो उसमें आप पर्चियां लिखें, एक्शन इस तरह के रखें कि हमें ए टू जी सुना दो, काउंटिंग सुना दो, राइम सुना दो, या पूरे दिन जो आपने बच्चे को एट द एंड ऑफ द डे. आप ये मैं प्रेफर करती हूँ ये गेम्स खेला करें, ताकि बच्चा जरा ना फ्रेश अप मूड में घर जाता है. तो पूरे दिन में जो भी आपने असेंबली प्रेजेंटेशन को ले ले, जो भी आपने उसको एकेडमिक सिखाया, जो भी सिखाया, आप वो चिट्स पे लिख के बच्चों से एक दफा एक्शन करवा दें. उससे ये फायदा होता है कि ऑल द डे जो भी एक्टिविटीज हुई होती है वो इन द एट द एंड ऑफ द डे रिवाइज हो जाती है. ये आ गया जी हाउ टू बी ह्यूमरस विद देम. और भी बड़े तरीके हैं तो उनके साथ शेयरिंग करें. नेक्स्ट है हाउ यू टू बी स्ट्रिक्ट विद देम. अब आप जो भी गेम खेल रहे हैं, आप उनके साथ जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, सेट रूल्स फॉर All of these things. उनके साथ उनके उनको बताएं कि जी ये गेम है, इसके ये रूल हैं. अब इस गेम में आपने शाउट नहीं करना, किसी को वो नहीं करना, पुश नहीं करना, स्नैचिंग नहीं करनी, किसी को आपने मारना नहीं है, ये रूल्स है. और जो रूल ब्रेक करेगा ही और शी विल बी आउट ऑफ द गेम. यहाँ आपको बहुत जरूरी है स्ट्रिक्ट होने की. अगर आप यहाँ पे स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो बच्चा फॉरएवर कभी भी गेम रूल्स नहीं सीख सकेगा. वो छीना झपटी और इलीगल वे से जीतने की कोशिश करेगा. ये चीजें अब आपने रूल्स और बाउंड्रीज आपने सेट करनी होती हैं. और एंड बी स्ट्रिक्ट टू द स्टूडेंट एट टाइम्स व्हेन नीडेड, जब जरूरत है. बिल्कुल 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 भी बच्चे को बदतमीजी की इजाजत ना दें. आप ये नहीं कि बी स्ट्रिक्ट के डंडा पकड़ के उनको मारना शुरू कर दें. आपके जेस्टर्स बच्चे बड़ी अच्छी तरह समझते हैं. जब टीचर इतनी पोलाइट और इतनी काइंड, जो प्रीवियसली मैंने एक्सप्लेन कर दिया होगी, तो ऐसी टीचर का जरा सा भी हार्ड जेस्टर बच्चा फौरन समझेगा. अब नोट के लिए दो बच्चे बैठे हैं, लड़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अब उसे कुछ ना बोले, अब सिर्फ उनके थोड़ी सी टफ लुक दे दें, बच्चा फौरन लड़ना छोड़ देगा, या फौरन दूसरे बच्चे को मारना छोड़ देगा, या फौरन अगर किसी से कोई चीज छीनना है तो छीनना छोड़ देगा. वो आपके जेस्टर समझता है और उसको पता है कि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ. वो अपना फौरन वो जो भी गलत काम कर रहा है उसको छोड़ देगा. आपके बच्चा जेस्टर समझता है. कोशिश करें जेस्टर्स तक रहें. और एक और चीज है, कोशिश करें कि अपना अपना रोब रखें बच्चों पे, ना कि छोटी छोटी बातों पे कि मैं आपको प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगी या मैं उधर ले जाऊंगी. कोशिश करें आप बच्चे पे अपना ही, आपको ही सुने, आपको ही फॉलो करें. आपको क्लास में से या किसी और अथॉरिटी का या किसी और टीचर का उसको लेके ये ना डराना पड़े कि जी ये बात करो ये या ये काम मानो तो मैं उस टीचर के पास ले जाऊंगी या मैं उधर ले जाऊंगी. सेट रूल्स एंड बाउंड्रीज वंस यू विल सेट. अब ये एक आपने इसमें हार्मनी और बैलेंस रखना है कि आपने रूल्स और बाउंड्रीज के बगैर, अगर आप रूल बाउंड्रीज को प्रॉपरली फॉलो नहीं करवा सकती बच्चे से, तो डोंट ट्राई टू बी ह्यूमरस विद देम. एंड अगर आपने रूल्स एंड बाउंड्रीज फॉलो करवानी है प्रॉपरली, आपका इतना होल्ड है, तो बी ह्यूमनेस विद देम. अदरवाइज आप पे वो सख्त और वो स्ट्रिक्ट टीचर का लेबल लग जाएगा. ठीक है जी. नेक्स्ट कमिंग टू द इनोवेटिव एंड क्रिएटिव. दिस इज अगेन व्हाट वी आर ट्राइंग टू टीच एंड व्हाट आर मोटिव इज के ऑलवेज टीच थ्रू इनोवेटिव एंड क्रिएटिव मेथड्स. आप स्क्रीन पे देख चुके होंगे, वो अगर टीचर बच्चों को स्केलेटन पढ़ा रहा है तो उसके सामने प्रॉपर स्केलेटन पड़ा है. आप लाख ये स्केलेटन बोर्ड पे ड्रॉ करते रहे, ठीक है, आप लाख वर्कशीट्स पे दिखा दें, बुक्स पे दिखा दें, आपको शायद दूसरे तरीके करने में इस टीचर को शायद 2 दिन लगते, लेकिन स्केलेटन सामने रख के पढ़ाने में उसको शायद सिर्फ 1 पीरियड लगेगा. ठीक है, 40 मिनट्स में वो पूरा बच्चे को स्केलेटन, रिब्स कहाँ है और कहाँ पे रिब्स का फंक्शन क्या है, पेल्विस बोन क्या है, और ये सारी वो आर्म और एल्बो सारा उसको वो सामने रख के जो दिखा रहे, ये बच्चा जल्दी सीखेगा. अगर आप बोर्ड्स पे और वर्कशीट्स पे उस पे जाते हैं तो उस पे बच्चा टाइम देगा. अगेन द थिंग इज की यूज फिजिकल एंड हार्ड मटेरियल टू टीच. फिजिकल
फिजिकल मटेरियल यूज किया करें, फिजिकल होता है जिसको बच्चा, या हार्ड मटेरियल जिसको बच्चा टच करके फील कर सके। चूंकि मॉन्टेसरी सेक्शन है, इसमें आगे प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल तक भी एग्जांपल्स होती हैं। फॉर राइट नाउ आई रिपोर्ट द एग्जांपल्स फॉर मॉन्टेसरी सेक्शन ओनली। अगेन वो ये हम इसको पहले भी कर चुके हैं, इफ यू आर टीचिंग अ लेटर तो लेटर वोकैबुलरी जो है उसको कोशिश करें फिजिकल फॉर्म में और हार्ड मटेरियल में लाएं बच्चे के सामने। एप्पल जस्ट ड्रॉ ना करें, घर से ले आए, उनसे मंगवा लें। बी की, ब की जो वोकैबुलरी है जस्ट ड्रॉ ना करें, हार्ड मटेरियल में मंगवा लें, बैट मंगवा लें, बॉल मंगवा लें, बहुत ही इजी। इसको कहते हैं फिजिकल और हार्ड मटेरियल यूज करें। आप पार्ट्स ऑफ प्लांट करवा रही हैं, मैंने आपको एग्जांपल कोड की थी, वो करवा लें। इवन आप आगे जाके आप 5, 6, 7 में जब भी आगे आप करवाते हैं ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी करवाते हैं, तो ये हार्ट और लंग्स, मुझे नहीं पता आपके उधर फिजिबिलिटी क्या है, वैसे होती है ऑफ कोर्स, से कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। तो मैं चूंकि साइंस में पढ़ाती रही हूँ, तो जब मैं लंग्स का करवाया था तो कोई मुश्किल बात नहीं थी। थोड़ा सा अगर हमें बच्चों को सिखाने के लिए आउट ऑफ द वे जाना पड़े तो चले जाइए, ना भी जाइए। अब मुझे नहीं लगता कि अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल को या अथॉरिटी को कहेंगे कि मैंने लंग्स करवाना है बच्चों को, तो मुझे एक बकरे के लंग्स आसानी से एक कसाब की दुकानों पर मिल जाते हैं, मुझे वो मंगवा दें। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रिंसिपल या हेड आपको इनकार करेगी, खुश होंगे और डेफिनेटली आपको मंगवा के देंगे। उसको उसके थ्रू करवाए ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जो आपने डायरेक्ट उनको दिखा के हार्ड मटेरियल फिजिकल फॉर्म में आपने उनको समझाना है, करवाना है। मैंने खुद ये सब पढ़ा भी है, मेरा साइंस के साथ मैट्रिक है। इवन देन जब अब मैं पढ़ाने पे आई हूँ, मैंने यकीन करें मैंने पढ़ा के ज्यादा सीखा है। तो फिजिकल फॉर्म और हार्ड मटेरियल यूज किया करें बच्चों को पढ़ाने के लिए। एंड अप्लाई इजीली एब्जॉर्बेंट मेथड एंड टीच फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट, इजी टू डिफिकल्ट जाए। अब इस बात का या इसको लिखने का मकसद ये है कि आपके पास 3 साल का जब बच्चा आता है या 4 साल का नर्सरी में बच्चा आता है, तो मैं एज अ टीचर, मेरे पास, मेरे जहन में इस वक्त हजारों वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, उस बच्चे के जहन में नहीं है। अब फॉलो करें बात को, अगर मुझे पता है बैट का, बॉल का, चेयर का, टेबल का, विंडो का, डोर का ये मतलब है, तो उस बच्चे को नहीं पता। ठीक है, अपने जो है ना, जरा उस बच्चे के लेवल पे जाके सोच के देखिए कि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं कि 10 दिन में बच्चा लिखना भी सीख ले, बोलना भी सीख ले, प्ले ग्रुप का बैठना भी सीख ले, रोना भी बंद कर दे, वॉशरूम भी जाना सीख ले। ऐसा नहीं होता, इट टेक्स टाइम। इजी चीजों से डिफिकल्ट चीजों की तरफ जाइए और उनको लाइक वोकैबुलरी वर्ड्स, छोटे छोटे वर्ड्स के साथ उनको स्टार्ट कीजिए। 3-4 साल के तो अक्सर, 3 साल के तो अक्सर बच्चों को प्रॉपर वर्ड्स भी बोलने नहीं आते, तो ये जब आप उनके साथ वोकैबुलरी ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगी तो ये होगा कि फिर आगे आपको उनको लेके जो है चलना आसान होता है। तो बी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव, सोचा करें कि मैं इस लेक्चर को कैसे बेहतर से बेहतर बना सकती हूँ, मैं कौन सी एग्जाम्पल्स कोट करूंगी तो मेरा बच्चा जल्दी सीख जाएगा। और ये थिंक किया करें, ये थिंकिंग से चीजें, थिंकिंग से आप क्रिएटिव बनते हैं। सर्च किया करें, अब तो इतनी ऑप्शंस हैं हमारे पास, इतनी ऑप्शंस हैं। व्हेन आई वाज एज अ टीचर, आई वाज वर्किंग एज अ टीचर, तो ये जितना भी बुलेटिन बोर्ड बनाना होता था, ये ऑल वी हैव टू थिंक आवर सेल्फ, हमें खुद से डिजाइन करना। अब तो इतने वो इधर इतना गूगल पे सर्च है और हर चीज है। नेक्स्ट हम आते हैं अ स्टोरी टेलर and an artist. A Montessori teacher should be a very good storyteller. Last किसी workshop में मैंने इस चीज का जिक्र भी किया था, और इंशाल्लाह इस पे हम एक proper throughout एक workshop भी करेंगे कि story telling क्या है, किस्सा गोई क्या है। जो भी आप lesson है या plan है, जो एक आम लफ्जों में बात कही गई और एक story की form में बच्चों को बात सुनाई गई, वो ज्यादा effective होती है जो आप स्टोरी की फॉर्म में बच्चों को सुनाते हैं। अ टीचर शुड बी अ वेरी गुड स्टोरी टेलर, शी कैन बी वेल एक्सप्लेन द स्टोरी थ्रू फेस एक्सप्रेशंस, वॉइस टोन्स एंड पिक्चर्स। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरी अब ये नहीं है कि बस बच्चों को सामने उठा दिया और सपाट चेहरा और सपाट लहजे से आप उनको स्टोरी सुनाते हैं, दैट वुड नॉट बी इंटरेस्टिंग। एक्सप्रेशंस दें, वॉइस टोन्स दें। एक्सप्रेशंस होते हैं फेस के एक्सप्रेशंस, यानी हैप्पी है तो अपना फेस थोड़ा हैप्पी का भी, यू कैन नॉट सी मी। When we'll do the practical workshop, I will teach you at least 20 to 25 expressions. Voice tones क्या होती है, सारा आपको practically सिखाऊंगी। Right now you cannot see my expressions.
एक्सप्रेशंस दें उनको जब आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। अगर कोई करेक्टर हैप्पी शो करना है तो फेस हैप्पी सा बनाए, सैड शो करना है तो सैड फेस बनाए, किसी करेक्टर को रोता हुआ शो करना है तो ऐसे हाथों के साथ आंखों को जैसे हम रोने का एक्शन करते हैं वो करें। वॉइस टोन्स का होता है कि अगर वो एनिमल, क्योंकि बच्चों को एनिमल से बहुत, जानवरों से बहुत लगाव होता है, बहुत मोहब्बत होती है। आप अपना जितना कार्टून है आप उठा के देख रहे हैं वो सब एनिमल्स को उन्होंने एनिमेटेड फॉर्म किए होते हैं। किसी में बकरी है, बकरे है, कि कोई ये टॉम एंड जेरी देख रहे हैं, या जो भी आपके कार्टून है एनिमल्स होते हैं, क्योंकि बच्चों को एनिमल्स के साथ एक बहुत ज्यादा एफिलिएशन होती है बच्चों की। तो वॉइस टोन्स यही आ जाता है। अगर एनिमल्स हैं करेक्टर, तो अगर बिल्ली है तो बिल्ली की आवाज थोड़ी सी निकालने साथ इतना बच्चे एंजॉय करते हैं, इतना बच्चे एंजॉय करते हैं कि दे लव टू कम टू द स्कूल एंड दे लव लर्निंग। उनको सीखने से, स्कूल से, टीचर से बहुत मोहब्बत होता है। यही 3-4 साल, 3 साल, 6-4, 5-6 साल, यानी कि प्ले ग्रुप नर्सरी प्रेप, यही वो एज है जब आपने बच्चे की बेस बना देनी है। ठीक है, वॉइस टोन्स यूज कीजिए, एनिमल वॉइसेस जहाँ जरूरत है एनिमल वॉइसेस दीजिए, जहाँ कोई गुस्से वाली आवाज निकालनी है अपनी आवाज को भारी कीजिए। ठीक है, और पिक्चर्स ऑफ कोर्स, जब आपके पास स्टोरी बुक्स होती है तो पिक्चर्स होती है तो पिक्चर्स को जरूर ब्रीफ किया करें, फिर उन बच्चों के साथ डिस्कशन करें। आपको पता है अमेरिका का जो प्रेसिडेंट, जब वो उसने जॉब ने इलेक्ट होना होता है, जिस भी प्रेसिडेंट ने, उसको ये एक टास्क दिया जाता है कि उसने जाके तो स्टोरी टेलिंग करनी है स्कूल में। तो उसका जब वो स्टोरी टेलिंग करते हैं, जैसे ये बराक ओबामा था, ये डोनाल्ड ट्रंप है, उनका ये एक है टास्क है। इवन कनाडा के भी जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको जाके स्कूल्स में स्टोरी टेलिंग करनी पड़ती है। तो वो उनका आप कहने के सिलेक्शन के लिए या इलेक्शन के लिए एक बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। एंड दे डू डैट, वो जाते हैं स्कूल्स में, पहले जाते हैं इलेक्शन अपना स्टार्ट होने से पहले जाते हैं स्कूल में स्टोरी टेलिंग करते हैं उस पे। फिर उनका आप क्या लेंगे, जैसे ये कंपेन का पार्ट होता है उनका, उनको दे डेफिनेटली हैव टू टेल अ स्टोरी टू द स्टूडेंट्स इन द स्कूल। नेक्स्ट है, द टीचर शुड नो द कलर मिक्सिंग एंड बेसिक्स ऑफ आर्ट एंड ड्राइंग। मॉन्टेसरी सेक्शन में जो टीचर, जितना अच्छा आर्टिस्ट है, जितना अच्छा कलर उसको है, वो उतनी अच्छी टीचर रहेगी। क्योंकि बच्चों को मैंने आपको बताया रंगों से और ये जानवरों से उनको एक बड़ी एफिलिएशन होती है। और जो कलर मिक्सिंग है, ऑफ कोर्स आपका जो एक्टिविटीज होती हैं और सारा आपका मॉन्टेसरी, तो 50% चलता ही आर्ट को लेके है। ठीक है, आपके जो जितने भी कार्ड है, जितना कलरफुल आप एनवायरमेंट बच्चों को देंगे उतनी जल्दी बच्चा उसको एब्जॉर्ब करेगा, सीखेगा। कलर मिक्सिंग भी आई विल टीच यू के प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आगे चल के हमने ये बच्चों को भी सिखाना होता है कि आपने कलर कौन से कलर किसके साथ मिलाए। मैं नहीं कहती कि बहुत ज्यादा आपका कोई बड़ा कोई फन होना चाहिए, लेकिन बेसिक आर्ट डिजाइन या बेसिक ड्राइंग हर टीचर, हर बंदा, हर इंसान कर सकता है थोड़ी सी एफर्ट के साथ। आप ये एक आपकी जो एस्थेटिक सेंस इसको कहते हैं, यानी ये आर्ट की जो होती है, या ये एस्थेटिक सेंस होती है, ये हर इंसान में अल्लाह ताला ने रखी है। कुछ कुछ को वही है, कुछ को ज्यादा अनायत कर दिया गया है, लेकिन कुछ को थोड़ा। लेकिन ये नहीं कोई कह सकता कि मुझे तो, मैं तो बिल्कुल ड्रॉ नहीं कर सकता, मैं तो बिल्कुल कलर नहीं कर सकता। आपने नोटिस नहीं किया कि जब आपके पास प्ले ग्रुप का बच्चा आता है तो वही स्टार्ट विद द कलरिंग, हम सबसे पहले कलरिंग से स्टार्ट करते हैं। ऑफकोर्स उसका एक मकसद तो हैंड ग्रिप भी होता है, लेकिन एक ये भी होता है कि उसकी एस्थेटिक सेंस डेवलप करनी है। जिस बच्चे जिसकी जितनी ज्यादा एस्थेटिक सेंस डेवलप होगी, वो बंदा उतना ही काइंड, उतना ही डाउन टू द अर्थ, उतना ही हम्बल, उतना ही लाइक सोशल प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाएगा और टैकल कर पाएगा। इसके बड़े लॉन्ग लास्टिंग जो आगे इफेक्ट्स होते हैं। तो यू हैव टू बी अ गुड स्टोरी टेलर। स्टोरी टेलिंग कैसे करनी है, यू कैन सी अ लॉट ऑफ ट्यूटोरियल्स आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, इवन विल डू इट इन द एज अ प्रैक्टिकल ऑल्सो। बट फॉर नाउ इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ गुड स्टोरी टेलर, तो जब तक लाइव हमारी, सॉरी हमारी प्रैक्टिकल वर्कशॉप स्टार्ट नहीं होती, यू कैन गेट अ ट्यूटोरियल्स फ्रॉम द यूट्यूब। देन अगेन आपको आर्टिस्ट की हर तरह का आपको उस पे मिल जाता है। एंड देन अ मॉन्टेसरी टीचर शुड नो एटलीस्ट 50 राइम्स विद ट्यून्स। अब मॉन्टेसरी टीचर जो होती है उसको राइम्स पे बहुत ज्यादा ग्रिप होनी चाहिए। राइम्स ये नज़में, इंग्लिश एंड उर्दू बोथ, क्योंकि ये जो राइम्स होती हैं ये आपके बच्चे का स्पीच और उसका वोबल और उसका लाइक उसकी वो स्किल्स इंप्रूव करती हैं।
जितनी ज्यादा राइम्स टीचर को आती होगी उतना ही प्रॉपर बच्चों को सिखा पाएगी. एंड राइम्स शुड बी विद द एक्शंस. हर राइम का एक्शन टोन्स तो होती है, हर राइम के एक्शंस भी होते हैं. ठीक है, इसको भी हम इंशाल्लाह जरूर जब प्रैक्टिकल वर्कशॉप स्टार्ट होंगी एटलीस्ट जितना टाइम मिलेगा मैक्सिमम मैक्सिमम मैं आपको राइम्स के एक्शंस और टोन्स जो उसको जरूर सिखाऊंगी. नेक्स्ट अब हम चलते हैं ड्रेस कोड. ड्रेस कोड ऑफ टीचर्स मे बी फ्रॉम ऑफ मेनी ऑफ यू आपको थोड़ा ये अजीब लग रहा होगा कि आज तक मतलब ड्रेस कोड का क्या ताल्लुक है टीचर्स का उसके साथ. है बहुत ज्यादा है. बंदा आप जब भी आप किसी हेलो
वो इसका कैप ठंडा नीचे की रहती है। ठंडा वाटर ला दे, खाना सब डाल के आ जा। सब सही है। और जो तुम अच्छा मैं आपके वाटर पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो दूसरी साइड से तो ठीक राइट इंटीरियर कट और एक बार स्टेयर है on the topic. वॉइस का थोड़ा इशू हो गया था अभी, आई होप के सब क्लियर हो गया। हां जी, सो ऑन द टॉपिक ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड जनरल एज एन आर्टिस्ट, ये आपको जो है स्टोरी टेलिंग पर आर्ट आर्ट का कांसेप्ट साथ साथ होना चाहिए। जब हम से नीचे जब हम अपने ड्रेस कोड का यूज कॉम्पिटिटिव कोड के पॉइंट पे ना एंड ड्रेस अकॉर्डिंग टू द सीजन, इसका पर्पस ये होता है आपका जो सारा बॉडी का जो वेट होता है ना वो आपके पाँव पे होता है। वो सबके जो हील्स होते हैं छोटे होते हैं, आपके उन्होंने आपका सारा वेट होता है उसमें होता है। तो मॉडिसरी टीचर वो शुड बी वेरी एक्टिव, उसको बहुत ज्यादा एक्टिव होना पड़ता है और होना भी चाहिए ओनली इन दैट केस कि वो अपने बच्चों को इस तरह से लाइवली और एनर्जेटिक रख सके कि शिक्षा से इम्प्रूव हो। हेलो, हेलो, वॉइस क्लियर है? क्लियर नो मैम, नहीं क्लियर आवाज। बिकॉज ऑफ सम माइक तो उसी पोजीशन में है और दोबारा से कनेक्ट भी होती है।
नहीं वो अवेलेबल नहीं है, ये माइक भी है, फिर भी उसकी बहुत प्रॉब्लम आई। हेलो, अब थोड़ा वेट करते हैं, पॉसिबल है थोड़ी देर में हो जाए, ठीक है, क्योंकि फोन भी है मैं उसको ऑफ करती हूं। नाउ इज द वॉइस इज क्लियर, टच विद द मैसेजेस, मैसेजेस में मैं पार्टिसिपेंट्स के साथ, अच्छे पार्टिसिपेंट्स प्लीज मैसेज कर दीजिए, आई होप योर वॉइस अब क्लियर होगी। मैं फिर इसको स्टार्ट करूंगी, वॉइस इज क्लियर, हेलो, कोई पार्टिसिपेंट में से मुझे बता दे वॉइस इज क्लियर, ठीक है, अगर मैं कैंपस से आ रहा हूँ तो बता रही हूँ क्लियर है वॉइस, तो आई थिंक आई शुड स्टार्ट, एक दो लोग मुझे कोई और बता दें तो फिर मैं इसको स्टार्ट कर देती हूँ, कैन यू हियर ऑल ऑफ यू, कैन हियर मी, द वॉइस इज क्लियर, ओके थैंक यू सो मच, नाउ आई लेट्स स्टार्ट। So we'll start to use comfortable footwear and dress up according to the season. Its a basic rule hai ki aap jitna comfortable apni body ko rakhenge, jitna aap physically comfortable aur healthy hoge, aapka mind aur aapki energy tarike se boost up aur energize rahegi. Ab believe me, maybe aap logo ko nahi aa shayad na ko believe kar raha ho, we were not allowed to wear heels. आपको पता है उस तरह से एनर्जेटिकली आप हाफ बोल नहीं सकते जितना की आप जितना इजी आप शूज पहनेंगे उतना ज्यादा बिलीव की आप एनर्जेटिक रहेंगे, आप कम थकेंगे, अब जल्दी नहीं थकेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये है कि ड्रेस अप अकॉर्डिंग टू द सीजन, बी ट्रेंडी, ट्रेंडी ड्रेस पहने, जो भी आपका नया फैशन है आप जरूर उसको अडॉप्ट करें, लेकिन एक चीज ये दिल में रखिए कि सर्दियों में फैशन इज नॉट दैट कि आप बगैर स्वेटर के बाहर आ गए, ये फैशन नहीं है, ये बेवकूफी है, ठीक है। तो फैशन वो होता है कि सबसे पहले जो तो मैं आपको लेटेस्ट फैशन डेफिनेशन भी बता रही हूँ और दूसरा आपकी प्रोफेशन के हवाले से भी बता रही हूँ कि जब सर्दियाँ हैं तो अपने आप को प्रॉपर अपना स्वेटर, अपने कोट्स, अपने शॉर्ट, अपने स्कार्फ प्रॉपर अपने आप को सर्दी से बचाएं, इस तरह की ड्रेसिंग प्रैक्टिस बनाएं कि आपको जो आपका सर्दी से बचाएं अपने आप को, और उसी तरह गर्मियों में आप उसी तरह की ड्रेसिंग करके आए कि आपको कम गर्मी लगे, आपकी बॉडी रिलैक्स रहे, आपकी एनर्जी आप जो लेवल है वो डाउन ना हो। गर्मियों में आप कॉटन यूज करें, रेशमी या उससे के कपड़े पहनना गर्मियों में इज नॉट अ फैशन, इट लुक्स ऑकवर्ड। सिमिलरली अगेन इन विंटर के हमारे यहाँ यही दो मौसम एक्सट्रीम होते हैं, तो विंटर्स में आपका आप अगर स्वेटर भी पहन रहे हैं या प्रॉपर अपना शॉर्ट्स वगैरह नहीं ले रहे क्योंकि फैशन नहीं है, तो मेक योर सेल्फ एज मच कंफर्टेबल एज यू कैन, ये होता है का जो जितनी ज्यादा रिलैक्स आपका फिजिकली बॉडी रहेगा आप जी है वो उसी तरह से काम करेगा, आप काम थकेंगे, आप जल्दी नहीं थकेंगे, एग्जॉस्ट नहीं होंगे, आप वो नहीं लाइक फ्रस्ट्रेट नहीं है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट, अपने आप को इजी रखिए। अनदर टिप इज के आपने ना बैग में अपने पास जरूर कोई मीठी चीज रखा करें, कैंडीज रखा करें, जब प्लेयर्स कैंडीज होती है यदि कुछ जरूर मीठा अपने पास रखा करें, शक्कर रख लिया करें, गुड़ रख लिया करें, आपको लगेगा यही कि इनका टीचिंग प्रोफेशन से तो दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन है क्योंकि ये एक आपकी मेंटल वर्क के साथ साथ आपका फिजिकल वर्क भी है, तो उसमें ये होता है कि जब आप एक डेढ़ घंटे के गैप के बाद थोड़ा सा मीठा खा लेते हैं ना तो आपका एनर्जी लेवल बूस्ट अप रहता है, और मॉन्टेसरी सेक्शन या मॉन्टेसरी टीचिंग इज ऑल अबाउट एंड टू स्टेट एनर्जाइज एंड हैप्पी। नेक्स्ट है आई होप वॉइस इज क्लियर, अगर आप दो चार लोगों ने मैसेज किया, एक आई है रबिया है, शी सेड टू अस क्लियर नहीं है, मुझे इस मैसेज करके बता दीजिए वॉइस क्लियर है, आई गिव अ आई गिव अ इन डे हम
अच्छी वॉइस क्लियर है ओके फ्रेश एंड के जितने हाइजीनिक और हेलो वॉइस क्लियर है आप Hello, it may be a net problem. Okay, आप ये points को आप देख रहे हैं हमने points आ रहे हैं आप इनको note down कर लीजिए we'll discuss these points in the session का time खत्म हो रहा है हम इसको फिर अपने session में ले लेंगे और जो हमारा session end का session ले लेंगे use refreshing smells a teacher should smell good अपना जो है अपनी fresh और neat looks में आइए again at the good bye time hello hello बीच में स्टूडेंट्स टाइम में अब आपका एंड ऑफ द डे है अगेन जिसमें से आपको बहुत वेलकम दिया था अच्छा ये अगर वॉच के लिए मैं देख सकती हूँ आपको अपना डिस्कनेक्ट करके दोबारा वो करती हूँ आपको लेंगे हेलो शायद कोई इंटरनेट इशू है या कोई इंटरनेट प्रॉब्लम है वजह से वॉइस का कोई इशू हो गया तो इंशाल्लाह ये है रह गया हमारा एक हम इसको कल के सेशन में कर देंगे तो अभी जो हुई है वॉइस को आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं मैं हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते हैं आप मुझे मैसेज कर दीजिए इफ द वॉइस इज क्लियर ऑल द पार्टिसिपेंट्स छोटे बच्चों को तबीयत
कर लेते हैं। छोटे बच्चों को तो हमें पता होता है कि हमने इस तरीके से कर रहा है ना। हमारे पास अगर सिर्फ सिक्स में ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी बेस नहीं बनी होती, हमने एडमिशन भी देना होता है पूरी क्लास में, तो हम उस एक बच्चे की तबियत कैसे करें, हम एक बच्चे को कैसे लेकर चले, हम उस बच्चे को वर्ड की पहचान कैसे कराएं। बहुत सारे मेरे अभी भी आते हैं तो वो उन्हें लफ्जों की पहचान नहीं है, इवन वो सिक्स और सेवन्थ में है बट उन्हें लफ्जों की पहचान नहीं है, फिर हम उनके साथ क्या करें। अच्छा आपकी ना वॉइस काफी कट गई है, लेकिन मुझे जो समझ आई है वो आपने ये क्वेश्चन किया है कि अगर कुछ सिक्स क्लास करे तो उसके लिए फिर यही होता है कि आपने पहले देखना है कि उस वो बच्चा प्रॉब्लम कहाँ कर रहा है। आपको मैंने बताया था, आपको वॉइस आ रही है एलएचएस कमरा? हेलो, यस मैम आ रही है, यस मैम आ रही है, आ रही है आपको? ओके, आपका आपने ये क्वेश्चन किया ना कि सिक्स क्लास में बच्चा हो तो उसको ये कैसे चीजें सिखाई जाए, यही क्वेश्चन किया ना आपने? यस मैम। उसमें ये होता है कि मैंने आपको बताया था कि जिस तरह लर्निंग एबिलिटीज है इसी तरह लर्निंग डिसएबिलिटीज है, तो अभी पहले हमें इस स्टेज पे बच्चे को ये देखना पड़ेगा कि वो कहाँ डिसेबल है, वो राइटिंग में है, रीडिंग में है, बिहेवियर में है, मेमोराइजिंग चीजों को याद नहीं कर पा रहा, लिख नहीं पा रहा, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसको लेके चलते हैं। अब उसको हम ऑफ कोर्स प्ले ग्रुप नर्सरी वाला सिलेबस तो नहीं करवा सकते शुरू से, तो उनकी ये स्ट्रेटेजीज होती है कि आपने बच्चे में देखने की इसमें डिसेबिलिटी क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, आपका बच्चा राइटिंग नहीं सही कर पा रहा, लाइंस में ठीक नहीं लिख पा रहा, आपके बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम है, क्योंकि सिक्स क्लास में जाने तक ना ये एक दो प्रॉब्लम्स, ये डिस्लेक्सिया होती है, डिसकैल्कुलिया होती है, बच्चे को क्या इशू है फिर उसको लेके उसको चलाया जाता है, उसके बेसिक्स सिखाए जाते हैं, वो ये उसमें ये चीज आती है। मैम मेरे पास एक बच्ची आती है सिक्स क्लास की, तो मैम वो हमारे स्कूल की स्टूडेंट है, और मैम उसको लफ्ज़ों का बिल्कुल सेंस नहीं हो पाता कि लफ्ज अगर मैं ए बोल रही हूँ तो मतलब इतने साल उसके पढ़ने के बावजूद भी उसे लफ्ज़ों का सेंस नहीं होता, नॉट इवन इंग्लिश उर्दू में भी नहीं होता। तो मैं बहुत जी बेटा उसको डिस्लेक्सिया ना, डिस्लेक्सिया यही होता है कि लेटर रिकॉग्निशन नहीं हो पाती, उसको समझ नहीं आता, आप उसके साथ दो घंटे बैठ के खपते रहे उसको समझ नहीं आएगा ये बी है कि डी है, ठीक है, यही इशू है ना उसके साथ। हाँ जी, तो उसके लिए एक्सरसाइजेस होती हैं, आप उसको इसके लिए बेहतरीन हल है कि आप उसको प्ले ग्रुप के लेवल की जो लेटर रिकॉग्निशन एक्सरसाइजेस है ना आपको वो करानी पड़ेंगी, उसको आपको वहां से लेके चलना पड़ेगा, बहुत एफर्ट होती है। अब सिक्स क्लास की बच्ची को ये चीजें सिखाना, इसमें थोड़ा पेरेंट्स कोऑपरेशन भी चाहिए होता है, उसका यही हाल होता है कि अब मुझे नहीं पता, मैं तो सबसे पहले ऐसे पेरेंट्स को बुलाती हूँ, उनसे देखती हूँ कि वो उनको कन्विंस करें कि अगर इसको थोड़ा सा रेगुलर स्टडीज से हटा के हम इसके पहले बेसिक्स ठीक करेंगे, ठीक है ना, दो माह आप उसको कोर्स सब्जेक्ट ना पढ़ाएं, जो उसकी कोर्स बुक्स हैं दो माह ढाई माह ना करवाएं उसको, ये पेरेंट्स को आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है, उनको उनसे बात करनी पड़ती है, अक्सर पेरेंट्स नहीं मानते, उनको कन्विंस करना पड़ता है कि जी आपकी बच्ची की जब तक बेस नहीं है आप दीवारें कैसे खड़ी कर सकते हैं, और फिर आप बच्चे को आप देखिए आपने जो प्रॉब्लम बताई है उसको लेटर रिकॉग्निशन नहीं है, उसको डिसलेक्सिया, वो रीडिंग नहीं कर पाती होगी, वो लिख नहीं पाती होगी, उसको आपको ऐसे इश्यूज है ना उसके साथ। Yes, वो पढ़ ही नहीं सकती, वो लोगों को समझ ही नहीं सकती, अब और भी मैं दर्द हो जाऊंगा, वो नहीं पढ़ सकेगी, लेकिन आप उसको प्ले ग्रुप नर्सरी प्रेप्स वाले लेटर रिकॉग्निशन आप उसको उन्हीं एक्टिविटीज के साथ करवाएं, लेकिन ये है कि ये बच्ची चूंकि भरी होती है ये एक दिन में ये तीन से चार लेटर्स काट लेगी, ये अगर आप उन्हीं एक्सरसाइजेस के साथ करवाते हैं तो एक दिन में आप उसको तीन से चार लेटर की रिकॉग्निशन दें, उनको उनकी एक्सरसाइजेस करवाएं, उनको लिखवाएं, फिर उसको थ्री लेटर रीडिंग की तरफ लाएं, फिर उसको डायग्राफ्स ट्राइग्राफ्स की तरफ लाएं, तो दो माह ढाई माह लगेंगे इंशाल्लाह, वो बहुत हद तक जो है ना उसको चीज को कवर कर जाएगी। ठीक है मैम,
और मैम अगर हम छोटे हमारे पास छोटे बच्चे आते हैं नर्सरी प्ले ग्रुप के, हम उन्हें कोई ना कोई लालच देना शुरू कर देते हैं कि अच्छा आप ये कर ले तो हम आपके साथ ये करेंगे, अच्छा आप ये कर लें तो हम आपको ये करेंगे, तो ये पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं हम उन्हें नेगेटिविटी की, हमें देनी चाहिए या नहीं देनी नहीं, ये भी मॉन्टेसरी जो है आपका एजुकेशन, आपने उनको लालच नहीं देना। देखिये सजा जजा वाला मामला और होता है, एप्रिसिएशन करनी है, ठीक है, एप्रिसिएशन में और लालच में बहुत फर्क होता है, ठीक है ना। एप्रिसिएशन में आप उनको एप्रिसिएशन देनी है बहुत ज्यादा, और मैं हमेशा वर्ड एप्रिसिएशन का यूज करती हूँ, हाँ वेरी ऑन एंड ऑफ। कोई अपने छोटा मोटा बच्चों का कोई आपस में कोई कोई गेम रखी है या कोई रेस रखी है, उसमें होता है कि आपको प्राइज वो देते हैं, लेकिन आपने बच्चे की एप्रिसिएशन करनी है डेली बेसिस पे, उसको इस लालच पे मत लगाइए, आज आप ये कार्ड करो ये दूंगी ये, उसको डेली बेसिस पे ना लगाइए, उसके ये जुमला बोले बगैर उसको स्टार दे दीजिए, ये जुमला बोले बगैर, ये लालच दिए बगैर उसको कैंडी दे दीजिए, ठीक है, ये एप्रिसिएशन होगी। शर्त रख के जब आप चीज देते हैं तो वो फिर लालच में आ जाती है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम मैम, अल नूर कैंपस सियालकोट। मैम मैंने लास्ट ट्रेनिंग में भी कहा था कि ये जो कॉपीज रेडी करनी है प्ले नर्सरी प्रेप की, इसका डेमो नहीं दिया जाएगा, मतलब एक एक पेज जो वो अभी मतलब जो आपके स्कूल की कॉपी, जो मैं ये कर रही हूँ कि हम मैक्सिमम ऑन टॉपिक्स कवर कर लें, हमारा ओरल चल सकता है लाइक जितना हो सकता है। अब वो जो कॉपीज वाला मामला है वो साथ उससे पहले राइटिंग में जो देखनी होती है टीचर्स की, हम टीचर्स उस फॉन्ट से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, तो उसमें मेरे पास अगर कुछ सैंपल होंगे तो वो मैं कल आपके साथ शेयर कर दूंगी स्क्रीनशॉट्स देके, तो मैं स्लाइड्स आपको दिखा दूंगी। तो बाकी ये कि ये तो जब हम आमने सामने प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स में आते हैं ये तभी चीज इफेक्टिव होगी। वो कहते हैं ना एक तो यानी कि वो थोड़ा सिखाया हुआ फिर इफेक्टिव नहीं होता, उसका फिर ना फायदा तो होता नहीं होता, नुकसान भी होता है, तो बेहतर है कि हम उसके टाइम पे ही लेके चले। मैम जैसे चीजें नहीं है ना, स्क्रीन शॉट लेके तो बस हमें वो थोड़ा सा दिखा दिया जाए कि मतलब पेज जो है ना वो इस तरह का होना चाहिए, मतलब देखने में, बाकी फिर प्रैक्टिस जब वो करवाएंगे तब। स्क्रीन शॉट लेके चले, ये मैं आपको इंशाल्लाह कल कर दूंगी, ठीक है, ये कल कर दूंगी आपको शो कर दूंगी। जी मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जी अगर किसी और को क्वेश्चन है तो काइंडली इसको कर लें, सब हम सब कर लेते हैं इसको। और मैम मैंने कहा था कि एडमिशन के बारे में है, मतलब बताना है, तो आपने कहा था नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं जरूर टॉपिक रखूंगी कि एडमिशन जो है वो कैसे करना है, या जब वो बच्चे हमारे पास आए पेरेंट्स आए उनको गाइड कैसे करना है, और मतलब लारल होम इंटरनेशनल ब्रांच के बारे में क्या बताना है उनको। मैम इस ट्रेनिंग में टॉपिक क्या है उसके रिलेटेड? ये इसमें तो आप देखिए ना, आप अगर प्रिंसिपल है स्कूल के तो ये जो एडमिशन आपका होता है पेरेंट्स को जो कन्विंस करना होता है ये तो आई मस्ट से कि ये आपकी इंडिविजुअल वो है कैपेबिलिटी है, लेकिन इसके अलावा जो हमारा विजन है LHIS का विजन है वो आपको जो प्रोस्पेक्टस मिलते हैं या जो आप हमारा जो है विजन है डॉक्टर साहब का जो विजन है आप उसको ब्रीफ कीजिए पेरेंट्स के सामने। आप असर कितना है हमारे बोलने में या कहने में या कितना पेरेंट्स उस चीज को समझते हैं ये तो अब हर एक पे डिपेंड करता है ना, लहदा लहदा, यही तो वजह होती है किसी ब्रांच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होता है किसी में कम होता है, तो ये अब आप उस विषय को खुद पढ़ें समझें। अब मैं तो ये कहती हूँ कि जो आपकी उसी बात में असर होता है कि जो
काम आप खुद करते हैं ना, जो काम आप खुद प्रैक्टिकली करते हैं, अगर वो आप किसी को उस काम के करने की नसीहत करें तो वो डेफिनेटली वो खुदाई तौर पे उस चीज का अगले फेसर होता है। तो आप विजन को रीड करें, प्रोस्पेक्टस में है, हमारी वेबसाइट्स पे है, तो आप वो लोगों को, पेरेंट्स को ब्रीफ करें एडमिशन के हवाले से। बड़े अच्छे और स्ट्रॉन्ग उसमें विजन कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो बाकी आप ट्रेनिंग्स दे रही हैं, इनको आप अपने लफ्जों में बयान करें, आपने क्या सीखा, आपको क्या डिफरेंट लगा, ये चीजें तो आप मुझे ज्यादा बेहतर बता सकती है ना कि ये ट्रेनिंग्स चल रही है, वर्कशॉप्स चल रही है, कोविड 19 के बावजूद सब चल रहे हैं, आप लोगों को होमवर्क्स वगैरह डिलीवर हो रही है, हर चीज जा रही है, ये अब आपकी एक ओपिनियन है जो आपने लेके लोगों को कन्विंस करना है। जी मैम मदीहा, मैं आपको बता दूं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारी जितने भी स्कूल्स के स्टेक होल्डर्स हैं उनकी हम अलग अलग से ट्रेनिंग करवाएंगे। अभी स्पेसिफिकली ये जो ट्रेनिंग है, ये प्री स्कूल के जो टीचर्स हैं और एकेडमिक हेड्स हैं, उनको जो प्रॉब्लम्स एकेडमिकली और पेडागोजिकली जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ये स्पेसिफिकली उनके बारे में है, और मैडम के पास जो है वो जिम्मेदारी भी इन मामला की है। बाकी आप जो हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो आपको मार्केटिंग के टूल पर सारे जो प्रोसीजर्स हैं वो आपको इन टाइम प्रोवाइड भी किए जा चुके हैं। आप अपने कैंपस के जो हेड हैं उनसे आप इसके अलावा, जैसे मैंने बताया कि प्रेजेंटेशन आप फॉलो करें, और इसके ऊपर अलग से भी हमारी आने वाले दिन जी थैंक यू सो मच। आज का जो सेशन है, आई होप कि काफी इंफॉर्मेटिव और काफी स्पेसिफिकली उन टीचर्स, उन जो प्रोफेशनल हैं, जो टीचर प्रोफेशन को ज्वाइन किए हुए हैं, उनके लिए काफी होपफुल रहा होगा। इसके दौरान एंड पे जो रियली अपोलोजाइज फॉर दैट, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। जो स्लाइड्स रह गई हैं, इंशाल्लाह हम कल वाले सेशन से पहले उसको जो है वो पहले प्रायोरिटी पे ले लेंगे, और देन कल वाला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि आपका आज का सेशन भी अच्छा रहा होगा, और आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह काफी हाई प्रोफाइलिंग लोग जो हैं उनको हम अपने ट्रेनिंग सेशंस के लिए उनको लेकर आ रहे हैं। तो आने वाले दिन भी काफी आपके जो स्कूल ओपनिंग से पहले हैं वो काफी लर्निंग के लिए काफी एक्साइटिंग और काफी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो इसके अलावा अगर कुछ सजेशंस हैं ट्रेनिंग के लिए, या आपका कोई इसमें इम्प्रूवमेंट की कोई सजेशन है, तो वो आप हमें जरूर प्रोवाइड करें। कंटेंट से रिलेटेड, जो ट्रेनर्स हैं उनसे रिलेटेड, इसके अलावा प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, ये चीज़ें हमें टाइमली, आपका जो फीडबैक है वो हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके लिए मेरा पर्सनल ईमेल भी मैं अपना ग्रुप में दे देता हूँ, और नंबर पे काइंडली ज़रा कम फोकस किया करें, क्योंकि हम ऑफ द ऑफिस जो है हमारे अपने भी मसरूफियात होती हैं। तो 5:30 बजे तक आप जो है वो पर्सनल नंबर पे मैसेजेस वगैरह कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे ईमेल पे या जो बाकी हेड ऑफिस पे लोग हैं उनसे आप रब्ता कर सकते हैं, मैं अपना ईमेल एड्रेस भी दे देता हूँ। तो सजेशन हमें ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम ट्रेनिंग आपके लिए अगले आने वाला पूरा मंथ जो है वो किस तरह से आपकी लर्निंग और आपके प्रोफेशनल एक्सीलेंस के लिए बेटर बना सकते हैं, इसके लिए आपकी सजेशंस और जो गाइडलाइंस है वो बड़ी जरूरी होंगी आपकी तरफ से। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह विल सी टुमारो।